ये किसने मंगाया? मैंने बिरयानी का मन किया दुर्गापुर में, तो पंजाबी मसाला से मंगा लिया। मन किया ज़ोमैटो किया। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। हेलो योगेश, हेलो। सर मेरे मैसेज नहीं जा रहे कल से, आज दूसरी आईडी से करना पड़ा। ओहो बहुत कष्ट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है, गुड इवनिंग तो अच्छा है। आ रही है आवाज आपको हमारी? अरे भैया बता दो। नहीं योगेश, हम उसी चीज के ऊपर आज बात करेंगे। रिवाइज देखो, ये गलत बात है, इतना गंदा करोगे तो ऐसे नहीं होगा। लास्ट का कैसे रिवाइज होगा, आज तो आज का काम करना है ना। हाँ सर, ऑल इज वेल। चलो तो शुरू करते हैं। तो भाई कल की क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हमने बोला कि हमारे पास तीन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। कौन कौन से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन? तो सबसे पहले तो मैं आज थोड़ा सा पूरा ही रिविजन करवाऊंगा। आई होप सबको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन मैं सबसे ये चाहता हूं कि आप लोग तुरंत तुरंत रिस्पांस देते जाओ कि आपको उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट्स जस्ट अ क्विक रिवीजन, जितनी चीजें अभी तक हुई है, ठीक है? तो क्या बोला हमने? हमने सबसे पहले बोला भाई देखो, अगर प्रोसेस को कम्युनिकेट करना है, अगर प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगी? देयर विल बी सम शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्सेज जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगी। लेकिन अगर प्रोसेसेस कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस हैं तो उनको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना जरूरी है। अगर प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो वहां पर तीन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनकंसिस्टेंसी, लॉस ऑफ डेटा एंड डेडलॉक। लेकिन अभी तक मुझ बेवकूफ ने आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बताई है कि इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हुई थी, और वो वाली मैंने आपको कहां बताई? जब
आपसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अकाउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, कुछ होनी चाहिए थी लेकिन वो वैल्यू नहीं आई, कुछ और वैल्यू आ गई। इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी आ गई, अगर प्रोसेस प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं थी, इसका मतलब वो ऐसे वेरिएबल को जो शेयर था उसको इंडिविजुअली या फिर इंडिपेंडेंटली एक्सेस नहीं कर रही थी। अगर ऐसे वेरिएबल को कॉन्करेंटली एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। हमने ये बोला, हमने बोला भाई ये प्रॉब्लम आई क्यों, तीन चीजें थी, तीन चीजें कौन कौन सी थी कि एक तो शेयर्ड वेरिएबल था, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन था, दूसरा प्रीएम्पशन हो रहा था जब आपकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में थी, और तीसरा वहां पर रेस कंडीशन थी, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस कॉन्करेंटली उस शेयर वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी। दिमाग में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है तो आपसे जीवन में कोई सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता, ठीक है। तो वहां पर प्रोसेसेस कम्युनिकेट अगर कॉन्करेंटली उस शेयर वेरिएबल को एक्सेस कर रही थी तो प्रॉब्लम होती थी। हमने बोला क्या करें, ये तीनों में से अगर एक भी डिससेटिस्फाई हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने बोला देखो भैया ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर तीन चीजों के बारे में सोच रहे हो तो दो चीजों को तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। पहली कि आपका क्रिटिकल सेक्शन को हटा दो, ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज एज लॉन्ग एज दी प्रोसेसेस आर कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस वहां पर क्रिटिकल सेक्शन होगा। और दूसरा हमारा अजम्पशन ही ये है कि यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही किसी भी प्रोसेस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्प्ट किया जा सकता है आफ्टर दी कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन अंडर एग्जीक्यूशन। तो दो चीजें तो डिससेटिस्फाई करने का सपने में भी मत सोच लेना, क्योंकि वो नहीं हो सकता। तो बोले फिर क्या करें, बोले ये जो दोनों आपस में रेस लगा रहे हैं ना, इनमें अगर रेस लगाने की कोशिश करें तो एक को पकड़ लो कि भैया दूसरे को जीत जाने दो, उसके बाद तुम जाना। बोले ठीक है चलो करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा करने के लिए तुमको सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म डिफाइन करनी पड़ेगी। बोले हो ठीक है करते हैं। बोले ये क्या चीज है, बोले जब भी आप उस वाली चीज को एक्सेस करने की कोशिश करो जिसके अंदर आप शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करते हो, तो उससे पहले एक स्पेसिफिक कोड है उसको एग्जीक्यूट करना, जिसको हम बोलते हैं एंटीसेक्शन का कोड, और उसके बाद में जब क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आओ तो स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करना, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट सेक्शन का कोड। उन्होंने बोला ठीक है, बोले एंट्री सेक्शन का कोड क्या होगा, बोले पता नहीं। बोले एग्जिट सेक्शन का कोड क्या होगा, बोले पता नहीं। तो बोले फिर तो बोले सोचो, तो बोले सोचते हैं। तो चार पांच लोग लग गए सोचने। तो सबसे पहले एक चचा आए, उन्होंने बोला कि भैया एक काम करो, एक लॉक वेरिएबल यूज कर लो, एक लॉक वेरिएबल यूज कर लो। तो हमने बोला ठीक है, जब जाएंगे तो देखेंगे कि लॉक ताला खुला हुआ है कि ताला बंद है, अगर ताला खुला होगा तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते ताला लगा जाएंगे ताकि दूसरा आदमी ना आ पाए। बोले ठीक है ऐसा कर लो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आपने ताला खुला है ये देखने में और लगाने के बीच में थोड़ा मटरगस्ती करने की सोच ली कि एक दोस्त को फोन लगा लेता हूं। तुमने इतना सोचा तुम्हें दूसरा आदमी अंदर घुस गया था, ठीक है, तो तुम ये तो देख चुके थे कि ताला खुला हुआ है लेकिन आप अंदर चले गए, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस अंदर चली गई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पर क्या क्या चीजें नहीं थी, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड नहीं था, यहाँ पर प्रोग्रेस की क्या स्टोरी थी भैया, यहाँ पर प्रोग्रेस गारंटीड थी क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर थी वो कभी भी लॉक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश नहीं करती। सर यहाँ पर बाउंडेड वेटिंग के साथ क्या हो रहा था, बाउंडेड वेटिंग गारंटीड नहीं थी, इवन इफ यू अज्यूम दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो गया है तो भी अगर एक प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आई है वो वापस अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो घुस सकती है। इसका मतलब जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस एंट्री सेक्शन पे वेट कर रही है, उन प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए कोई ऑर्डर डिफाइन नहीं है कि वो किस ऑर्डर में क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगी, इसलिए बाउंडेड वेटिंग भी गारंटी नहीं है। हमने बोला अरे ये तो गंदी बात हो गई, इसका मतलब इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वही डिससेटिस्फाई हो गई। तो एक दूसरे अंकल आए, उन्होंने बोला देखो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए आपको सॉल्यूशन दे सकता हूं। तो बोले दो प्रोसेसेस के लिए सॉल्यूशन दे सकते हो, मतलब बोले अगर हम स्ट्रिक्ट अल्टरनेट करने की कोशिश करें तो हमारा काम चल सकता है। तो हमने बोला तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं, ठीक है, तो बोला स्ट्रिक अल्टरनेट करोगे, बोले हाँ स्ट्रिक अल्टरनेट करेंगे। बोले फिर कैसे करोगे, बोले इस वाले में दिक्कत क्या हो रही थी, वैल्यू को रीड करने के बाद अंदर जाने से पहले आप वैल्यू को अपडेट कर रहे थे, तो रीड करने के बाद अपडेट करने के बीच में अगर प्रीएम्प्शन हो गया तो सब गुड़ ओवर हो जा रहा था। तो हमने बोला वैल्यू को रीड करो और उस वैल्यू के बेसिस पे आदमी को अंदर जाने दो, उसके बाद उसको अपडेट करने के बाद अंदर मत जाने दो, वैल्यू को रीड करके और सीधे सीधे उस वैल्यू के बेसिस पे अंदर जाने दो, इसका मतलब दैट वैल्यू विल डिसाइड कि कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी। बोले ओके ठीक है करके देखते हैं। बोले ठीक है कर लो। तो हमने जब ऐसा किया तो हमको पता चला कि भाई आदमी बोल तो सही रहा था, क्या बोल रहा था कि वैल्यू को देख करके अगर अंदर जाओगे और अगर वैल्यू बोलती होगी कि प्रोसेस पी जीरो आएगी तो सिर्फ पी जीरो जा पाएगी, और अगर वैल्यू बोल रही होगी कि पी वन जाएगी तो सिर्फ पी वन जा पाएगी। हमने बोला ठीक है इसके बेसिस पे काम कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन अगर पी जीरो जा पाएगी तो पी जीरो अंदर चली जाएगी, फिर पी वन कैसे जाएगी। बोले रुक जाओ भैया,
क्या, इसीलिए तो नाम रखा है स्ट्रिक्ट अल्टरनेट। मतलब क्या बोले, P0 की अगर बारी होगी तो P0 क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी, लेकिन बाहर आते आते बोलेगी अच्छी बच्ची बन करके कि अब मैं इस जो वेरिएबल की वैल्यू है इसको वन कर देता हूं, ताकि अगली बार जो मेरी दूसरी सिस्टर प्रोसेस है, प्रोसेस P1, वो अंदर जा पाए। बोले वाह, इतना सोचा जा रहा है? बोले हाँ सोचा जा रहा है। तो बोले सोच लो। तो उसने बोला फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड होगा क्या? बोले हाँ, क्योंकि हम तो वैल्यू देख करके जा रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बोला देखो भैया, तुमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन प्रोग्रेस को सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? प्रोग्रेस के साथ दिक्कत ये थी कि अगर टर्न की वैल्यू, प्रोग्रेस की डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब थी। ये क्या बोलती है? किसी को जाने से रोकना वोकना नहीं, ये सीधा बोलता है कि अगर तुम बाहर हो और इंटरेस्टेड नहीं हो तो किसी दूसरे प्रोसेस को जाने से मत रोकना। बोले ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा था। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू ऐसी थी कि किसी प्रोसेस जीरो को जाना था और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी और वन जाने में इंटरेस्टेड थी, तो मैं वन को जाने से रोक दे रहा था। तो हमने बोला देखो भाई, गंदी बात है। बोले ये वाली जो प्रोग्रेस वाली चीज है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी बुरा मान गए कि हमसे भी काम नहीं हुआ। फिर भी हमने बोला कि अच्छा बाउंडेड वेटिंग के बारे में तो और बता दो। बोले देखो बाउंडेड वेटिंग के बारे में बात मत करो, तुमने हमको एक चीज के लिए भगा दिया, उतना हम सह सकते हैं, दूसरी चीज के बारे में नहीं सह पाएंगे। बाउंडेड वेटिंग डेफिनेटली गारंटी है। वाय, क्यों गारंटी है? तो उसने बोला देखो भाई, अगर टर्न की वैल्यू जीरो होगी तो आप सीधे सीधे ये बोल सकते हो कि अभी वैल्यू जीरो है तो अभी प्रोसेस P1 नहीं जा सकती। लेकिन इतना गारंटीड है कि एक बार प्रोसेस P0 अपना क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर ले, उसके बाद अगर P1 वेट कर रही है तो वो डेफिनेटली अंदर जाएगी। बोले वाह, इसका मतलब तुमने इस वाली चीज को तो सॉल्व कर दिया। तो बोले हाँ। तो बोले चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में कंसिडर करते हैं कि तुमने जो एक मेन प्रॉब्लम थी उसको तो सॉल्व किया। लेकिन हमने बोला देखो भाई, अभी भी तुम्हारी दो प्रॉब्लम है। ये तो गंदा हो गया क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही निपट गया। इसके अंदर दो प्रॉब्लम थी क्या? इसके अंदर दो प्रॉब्लम थी, ओनली टू प्रोसेस। बुरा हुआ, ओनली टू प्रोसेस। और दूसरा, ये जितने भी सॉल्यूशन मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूं, इन सबकी एक प्रॉब्लम है कि ये सारे के सारे बिजी वेटिंग करते हैं। इसका मतलब ये सीपीयू का टाइम वेस्ट करते हैं। बोले ओके भैया, ठीक है। तो हमने बोला चलो कुछ और सोचते हैं। तो बोले क्या, तो हम ज्यादा तो नहीं सोचे कि ये दोनों को, इन दोनों को तो अवॉइड करने की कोशिश नहीं की थी इसे सॉल्यूशन है। लेकिन उसने ये सोचा कि यार ये प्रोग्रेस और जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन दिया जा सकता है क्या? तो इसके लिए अंकल आए कौन से, सॉरी, इसके लिए पीटरसन अंकल की रात को नींद खुली। पीटरसन अंकल ने क्या बोला, दिमाग में होना चाहिए सॉल्यूशन। अगर तुम मेरी बातों को रटने की कोशिश करोगे ना, अगर मैंने जितना अभी तक आज तक आपसे बोला है, अगर वो सारा आपको याद है तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आएगी, वरना आपको लगेगा क्या फालतू बकवास कर रहा है ये आदमी, कुछ तो भी बोलता रहता है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं और जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं 15 मिनट में, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर तीसरा सॉल्यूशन आया पीटरसन सॉल्यूशन ने बोला कि भैया इसमें भी दो ही प्रोसेस जाएंगी। बोले ठीक है, लेकिन बोले क्या तुम सारी की सारी चीजें मैनेज करोगे? बोले हाँ, मैं तीनों चीजें मेंटेन करके दिखाऊंगा। बोले चलो देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। तो उसने एक अच्छा सॉल्यूशन दिया, उसने बोला कि भाई इंटरेस्ट के बेसिस पे सबसे वाला टर्न की वैल्यू को चेंज करेगा, उस कोड को आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कोड समझने की कोशिश की थी कल, इसीलिए मैंने पूरी की पूरी क्लास आपकी उस पीटरसन सॉल्यूशन में खराब की, ताकि आपको वो चीज समझ में आए, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज थी जिसके अंदर ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी था। हमने बोला कि पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर टर्न की वैल्यू के जो बेसिस थी, उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा था कि अगर दूसरे वाले का इंटरेस्ट ही नहीं था तो मैं सीधे सीधे अंदर चले जा रहा था। लेकिन अगर दोनों इंटरेस्टेड थी तो मैं दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और जो दूसरी चीज थी कुछ इस तरीके से मेंटेन की जा रही थी कि वो जो दूसरी कंडीशन थी वो दो प्रोसेस के साथ में एक साथ कभी ट्रू हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो दोनों अलग अलग वैल्यू को चेक कर रहे थे सेम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग। तो एक वेरिएबल या तो जीरो होगा या वन होगा, वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ एक ही प्रोसेस जा पा रही थी। और क्योंकि ऐसा था इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड था। फिर क्या वहां पर प्रोग्रेस भी थी? सर हाँ, प्रोग्रेस भी थी। वहां पर यह था कि अगर कोई भी आदमी वेटिंग के लिए फंसा होगा तो वो टर्न की वैल्यू को सेट करके फंसा होगा, और सीधे सीधे उस कोड की ड्यूटी ये थी कि जिस भी बंदे ने टर्न की वैल्यू को पहले सेट किया होगा वो बंदा नेक्स्ट बंदा होगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो अगर करेंटली कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरा बंदा आकर के टर्न की वैल्यू को सेट कर देता है, तो अगर वापस से अब जाकर की कोई प्रोसेस आकर के टर्न की वैल्यू को सेट करती है तो वो अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि पहले जिसने टर्न की वैल्यू को सेट किया था वो पहले से वेट कर रहा है और अब उसी की बारी है, वो अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उसके लिए दूसरे का जो प्रोसेस था वो तो ट्रू है, लेकिन उसके लिए आपने टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस वाली कंडीशन को फॉल्स बना दिया है टर्न को सेट करके, तो अब बोलेगा अब मैं जाऊंगा। तो वहां पर प्रोग्रेस गारंटीड थी, है ना? प्रोग्रेस वाज आल्सो गारंटीड। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन थी वो थी बाउंडेड वेटिंग। क्या वहां पर बाउंडेड वेटिंग थी? सिर्फ दो ही प्रोसेस थी भैया,
दो ही प्रोसेस थी, तो अगर दो ही प्रोसेस थी तो बाउंडेड वेटिंग गारंटीड थी। इसका मतलब एक बार अगर किसी प्रोसेस ने वेटिंग के लिए डाल दिया है तो उसको एटमोस्ट वन प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन में जाने तक के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर एक प्रोसेस वेट कर रही है तो उसको एटमोस्ट वन प्रोसेस के जाने तक के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर उसने पहले टर्न सेट किया होगा तो वो सीधे सीधे चली जाएगी, और अगर उससे पहले किसी और ने टर्न सेट कर दिया होगा तो वो एक बार जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से होकर के बाहर आएगी तो ये जो वेट कर रही है यही वो प्रोसेस होगी जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी। इसका मतलब आपको कभी भी एक से ज्यादा प्रोसेसेस के क्रिटिकल सेक्शन में जाकर के वापस आने के लिए कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हमने बोला तीनों चीजें बढ़िया हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि यहाँ पर भी ये दोनों प्रॉब्लम्स तो थी, प्रॉब्लम यहाँ पर भी ये दोनों वाली तो थी कि ये भी जो सॉल्यूशन है सिर्फ दो प्रोसेस के लिए है और यहाँ पर भी बिजी वेटिंग होती है। तो बोले ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये जो सॉल्यूशन है पीटरसन सॉल्यूशन, ये वन ऑफ दी बेस्ट सॉल्यूशन है जो इन चीजों के बेसिस पे काम करता है। नाउ फिर हमने देखा कि ये तो हो गए भैया कि सॉफ्टवेयर लेवल पे लोगों ने क्या क्या सॉल्यूशन दिए, लेकिन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की जो दिक्कत थी वो ये थी, सॉफ्टवेयर में ये जितने भी सॉल्यूशंस थे इनमें जो दिक्कत थी वो ये थी कि जब आपका प्रोसेस ये एंट्री सेक्शंस के कोड एग्जीक्यूट कर रहा था उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो प्रियम्प्ट हो सकता था, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये भी सॉफ्टवेयर लेवल पे सॉल्यूशन के सॉल्यूशन हैं और ये यूजर मोड में ही एग्जीक्यूट करते थे। बोलो हाँ या ना, यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहाँ पे सबको क्लियर है? ये मैंने यहां तक क्या कर दिया है, यहां तक मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर लेवल के सॉल्यूशन थे जो यूजर मोड में इंप्लीमेंट थे उन सबकी कहानी खत्म कर दी। एक बार सारे के सारे दिमाग में रिवाइज हो चुके हैं, जितने तीन सॉल्यूशन थे तीनों खत्म। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा तो बोले फिर और क्या कर सकते हैं, बोले जो हार्डवेयर है ना वो हार्डवेयर भी आपकी हेल्प कर सकता है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। बोले अच्छा, हाँ बोले कैसे, बोले हार्डवेयर का जो डिजाइनर है, इसका मतलब सीपीयू का जो डिजाइनर है, जो प्रोसेसर डिजाइनर है, वो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ दोज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस सपोर्टेड बाय दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर आप ये जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हो। बोले कैसे, बोले कुछ अलग अलग टाइप की चीजें हैं, बोले यहाँ पे ताले ही लगाए जाएंगे। बोले लेकिन जो ताला लगा रहे थे ना, बोले लगाएंगे तो ताले ही, लेकिन जब आप यहाँ पर जब ताला लगा रहे थे तो हो ये रहा था कि ताला देखने और उस ताले की वैल्यू को रीड करने के बाद ताला लगाने के बीच में प्रियम्प्शन हो सकता था। ताले की वैल्यू को देखने और ताला लगाने के बीच में आपके प्रोसेस का प्रियम्प्शन हो सकता था। उसने बोला ये बड़ी प्रॉब्लम है बाबा कि आप जब तक उस वैल्यू को रीड करके और आगे उस वैल्यू को चेंज करने जाते हो तब तक एक दूसरी प्रोसेस आकर के और आपने जो वैल्यू रीड करी है वही प्रोसेस रीड करके चली, वही वैल्यू रीड करके चली जाती है और फिर आपके साथ साथ क्रिटिकल सेक्शन में जाकर के उत्पात मचाती है। तो बोले ठीक है, बोले फिर क्या करें, बोले फिर हार्डवेयर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला सॉल्यूशन था वो था TSL सॉल्यूशन। आप में से कई लोगों ने कल मुझसे पूछा कि सर ये एग्जीक्यूट इसका कोड क्या है। मैं आपको ऑलरेडी कल भी बोल चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, कि आपको मार्केट में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड देखने को मिलेंगे, TSL के लिए वो सारे के सारे स्यूडो कोड हैं, कि अगर आप विजुलाइज करना चाहो तो आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में सिस्टम में हो क्या रहा है। अगर आप सिर्फ विजुलाइज करना चाहो कि एक्चुअल में सिस्टम क्या में क्या हो रहा होगा तो आप उन चीजों का यूज कर सकते हो, लेकिन वो जितने भी स्यूडो कोड लिखे गए हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर लेवल के कोड हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप वैसे एक TSL का फंक्शन लिख करके और TSL का फंक्शन लिख करके और सीधे सीधे सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो कोड लिखे हुए आप देख रहे हो वो सारे के सारे कोड यूजर लेवल में एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि आपने वो फंक्शन बनाया है TSL के नाम का और TSL के नाम का फंक्शन बनाने से ऐसा नहीं होता किसी का नाम रख दिया विष्णु तो रात को आकर के, और किसी का नाम रख दिया लक्ष्मी तो घर के अंदर बहुत सारा पैसा लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सर किसी फंक्शन का नाम रखने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल में आपको जो मशीन लेवल पे TSL इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है उसी मशीन लेवल के TSL इंस्ट्रक्शन को ही यूज करना पड़ेगा। और सिंपल सी कहानी है, ये कैसे होता है दैट विल नॉट बी योर लुकआउट। आपको ये नहीं समझना है कि TSL इंस्ट्रक्शन कैसे बना है, नहीं, बिकॉज दैट इज
थिंकिंग ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइनर कि वो कैसे टीएसएल को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है. देर आर टू थ्री वेरिएशन जिसका यूज करके हार्डवेयर लेवल पे लोग इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. तो बिल्कुल गलती से भी मत सोचना कि सर मुझे वहां पर एक में किसी ने टेस्ट एंड सेट लॉक का इस तरीके से लिख करके कोड दे दिया था. ठीक है, कैसे लिखते ना, टेस्ट सेट और टेस्ट एंड सेट ऐसा. और उस वैल्यू को रीड करके बन कर देगा, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी या फिर जो ओल्ड वैल्यू थी लॉक की उसको रिटर्न करेगा. यही तो हमारा टीएसएल करता है, यही हमारा टीएसएल करता है. क्या करता है, अगर लॉक की वैल्यू लेस अज्यूम जीरो है, अगर लॉक की वैल्यू लेस अज्यूम जीरो है, तो टीएसएल क्या करता है, इस जीरो की वैल्यू को वन कर देता है और इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है जीरो उसको रिटर्न कर देता है. अगर इसकी वैल्यू वन होती तो ये वन को फिर से वन कर देता है और फिर जो प्रीवियस वैल्यू थी इसी को रिटर्न कर देता है. तो ये यहाँ पर क्या करता है, जीरो को वन करता है और इस जीरो को रिटर्न करता है. यहाँ पर ये वन को वन करता है और इस वन को रिटर्न करता है. तो ऐसी कुछ कहानी है और इसी को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये कोड है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसी वाली चीज आपके मशीन के अंदर डिजाइन की गई है. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, एक्चुअल में टीएसएल का इंस्ट्रक्शन, टीएसएल का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, दैट्स कंप्लीटली द लुकआउट ऑफ योर प्रोसेसर डिजाइनर कि वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है. हाँ, लेकिन अगर उसने टीएसएल इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया है तो टीएसएल इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, टीएसएल इंस्ट्रक्शन को जब भी आप कॉल करोगे, टीएसएल इंस्ट्रक्शन को जब भी आप कॉल करोगे तो वो टीएसएल इंस्ट्रक्शन हमेशा कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा. और कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होने के कारण वहां पर एटोमिसिटी है. कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होने के कारण वहां पर एटोमिसिटी होगी. इसका मतलब जब तक वो कुछ स्पेसिफिक टास्क नहीं कर देता, मतलब कौन कौन से टास्क, जब तक कि वो आपके लॉक की वैल्यू को, जब तक कि वो आपके लॉक की वैल्यू को रीड करके कंपेयर नहीं कर लेता, जब तक कि वो आपके लॉक की वैल्यू को रीड करके और लॉक की वैल्यू को वन से अपडेट नहीं कर देता, तब तक कोई और दूसरा इंस्ट्रक्शन बीच में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा. तो अगर ऐसा हो रहा था तो हमने करेक्ट सॉल्यूशन देखा टीएसएल. तो अगर टीएसएल को हम यूज कर रहे थे तो क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड था? यस, वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड था, क्योंकि जैसे ही कोई लॉक की वैल्यू को रीड करता उसको वो जीरो, अगर उसको वो जीरो मिली थी, अगर उसको वो वैल्यू जीरो मिली थी तो उसको जीरो मिलते ही वो वन कर देता और एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस टीएसएल को एग्जीक्यूट कर सकती थी. एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस टीएसएल को एग्जीक्यूट कर सकती थी, क्योंकि टीएसएल को एग्जीक्यूट करते टाइम कभी भी प्रीएम्प्शन नहीं होते. एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस टीएसएल को एग्जीक्यूट कर सकती थी. अगर कोई आपसे पूछे कि क्या एक से ज्यादा प्रोसेस कभी भी टीएसएल को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकती है, नहीं, जीवन में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोसेस टीएसएल को एग्जीक्यूट कर रही है तब उस प्रोसेस का प्रीएम्प्शन होगा ही नहीं. अगर उसने टीएसएल को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है तो तब तक प्रीएम्प्ट नहीं हो सकती जब तक कि टीएसएल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता. इसका मतलब दो प्रोसेसेस कॉन्करेंटली टीएसएल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती. सिंपल सी बात, समझ गए ना कहानी. तो अगर एक ही प्रोसेस टीएसएल को एग्जीक्यूट कर सकती थी एट अ टाइम, तो सिर्फ एक ही प्रोसेस उस लॉक की वैल्यू को रीड कर सकती थी एट अ टाइम. तो जैसे ही वो लॉक की वैल्यू को रीड करती, अगर उसको लॉक की वैल्यू जीरो मिलती तो वो जीरो वैल्यू को रीड करते ही तुरंत उसको टीएसएल की वैल्यू को वन कर देता है. इसका मतलब बाद में जब दूसरी प्रोसेस जा करके, बाद में जब दूसरी प्रोसेस जा करके उस लॉक वेरिएबल को रीड करके उसके उस लॉक वेरिएबल के ऊपर टीएसएल लगाने की कोशिश करती, तो इस बार उसको टीएसएल की वैल्यू वन मिलती, इस बार उसको लॉक की वैल्यू वन मिलती. तो जब वो कंपैरिजन करने जाता तो वो फेल हो जाता. तो हुआ क्या, अगर लॉक की वैल्यू जीरो है भी, अगर लॉक की वैल्यू जीरो है भी, तो क्योंकि एक से ज्यादा प्रोसेसेस कभी भी टीएसएल को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, इसलिए एक ही प्रोसेस को लॉक की वैल्यू जीरो मिलेगी. जिस प्रोसेस को भी लॉक की वैल्यू जीरो मिलेगी वो जीरो को रीड करते ही लॉक की वैल्यू को वन कर देगा, वो जीरो को रीड करते ही लॉक की वैल्यू को वन कर देगा और फिर बाकी सबको लॉक की वैल्यू वन मिलेगी. तो जिसको जीरो मिली होगी सिर्फ उसी के लिए नॉट जीरो कंडीशन फॉल्स होगी, बाकी सबके लिए नॉट जीरो कंडीशन ट्रू होगी और वो सारी की सारी प्रोसेसेस जिनके लिए नॉट जीरो कंडीशन ट्रू है वो बिजी वेटिंग करती रह जाएंगी. तो ये जो टीएसएल सॉल्यूशन है, दिस ऑल्सो अ सॉल्यूशन व्हिच यूजेस द कांसेप्ट ऑफ बिजी वेटिंग, लेकिन इसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है. जो दूसरी चीज थी, क्या यहाँ पर प्रोग्रेस गारंटीड है? हाँ हाँ सर, प्रोग्रेस गारंटीड है, क्योंकि जो आदमी
क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो कभी भी लॉक की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश नहीं करेगा, इसका मतलब वो कभी भी टीएसएल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसका मतलब प्रोग्रेस भी गारंटीड है। कोई बंदा जो इंटरेस्टेड नहीं है वो दूसरी इंटरेस्टेड प्रोसेस को नहीं रोकेगा। लेकिन क्या सर यहाँ पर बाउंडेड वेटिंग गारंटीड है? अरे कुछ भी नहीं बदला, आपने सिर्फ अपडेट करने का तरीका बदल दिया, तो बाउंडेड वेटिंग कैसे बदल जाएगी? बाउंडेड वेटिंग में क्या था, क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर है जिस ऑर्डर में जो प्रोसेस वेट कर रही है उनका एग्जीक्यूशन होगा, या फिर वो जिस ऑर्डर में वो वेट कर रही है उसमें कोई ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में उन वेटिंग प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा? नहीं सर, कोई ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग गारंटीड नहीं होगा, इसका मतलब बाउंडेड वेटिंग गारंटीड नहीं होगा। तो दिस इज द हार्डवेयर सॉल्यूशन, बट दिस ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट, दिस ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहे हो भैया, क्वेश्चन माइट बी आउट ऑफ सिलेबस बट वाई कैन बी प्रीएम्प्ट प्रोसेसेस व्हाइल वेटिंग इंस्टेड ऑफ बिजी वेटिंग। अक्षत ज्ञान की बात है लेकिन आगे करेंगे, क्यों क्यों करेंगे आगे, क्योंकि अभी हम वहां पहुंचे नहीं, अभी हम वहां पहुंचे नहीं। अरे कहां चला गया ये कर्सर, कहां गए हो यार तुम लोग, कहां चले जाते हो? एक सेकंड भाई, कुछ तो हुआ है जो मुझको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे एक भी मैसेज नहीं दिख रहा था लाइव अपडेट स्टूडेंट का, और उसका कुछ रीजन था भैया ने। नहीं संदीप, अभी मैंने सीमाफोर कंप्लीट नहीं कराया है। ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे सवाल आपने पूछे होंगे, लेकिन अभी तक आपने जितने भी सवाल पूछे हैं लाइव वेब पे वो मैंने रीड ही नहीं किए, क्योंकि मुझे वहां पर कुछ दिखाई ही नहीं दिया था। चलो एनीवे, अक्षत एज यू आर सेइंग कि सर व्हाई कांट वी preempt process while waiting instead of busy waiting, yeah obviously we'll do that, but those solutions are different types of solutions, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन अभी उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तक I hope सबको सारी चीजें clear हैं। Now another hardware solution is the concept of टीएसएल यूज कर लिया है। दूसरा जो सॉल्यूशन है यूज ऑफ स्वैप, सो दिस इज अनदर, सो जनरली यू इंप्लीमेंट स्वैप, you also implement swap function, but that's another thing. Certain processors may provide the swap instruction as a separate instruction. And what happens, this swap can change the value of two variables. This swap function can swap the value of two variables atomically. क्या बोल रहा हूँ, आपके पास एक ऐसा फंक्शन है, it can swap the values of two variables atomically. So we are not talking about the swap function which you implement in the user level. तो ऐसा मत सोचना कि क्या सर ये वही स्वैप है जो हम लिख देते हैं, नहीं मैं उस स्वैप की बात नहीं कर रहा हूँ जो फंक्शन आप डिफाइन करते हो। कभी कभी कुछ प्रोसेसर्स अपना स्वैप भी इंटरनली एक स्वैप फंक्शन को डिफाइन करके रखते हैं। ये जो स्वैप फंक्शन है, ये स्वैप फंक्शन आपकी वैल्यूज को स्वैप कर सकता है, इट कैन स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एटॉमिकली। लेकिन दिस पार्ट ऑफ टेस्ट इन सेट लॉक, this part of no next topic
नेक्स्ट टॉपिक, अनदर हार्डवेयर सॉल्यूशन फॉर सिंक्रोनाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अप टू टीएसएल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अप टू टीएसएल, वहां पर कोई चीज नहीं है, टीएसएल खत्म हो चुका है, उसका सारा चीज मैं कल की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब आज की क्लास शुरू हो चुकी है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज अनदर हार्डवेयर सॉल्यूशन। टीएसएल सॉल्यूशन इज अ हार्डवेयर सॉल्यूशन टू अचीव द सिंक्रोनाइजेशन। सिमिलरली यूज ऑफ स्वैप फंक्शन, यूज ऑफ स्वैप इंस्ट्रक्शन is instruction, not function. Use of swap instruction is also a hardware solution to achieve the synchronization. Clear? So it can swap the values of two variables atomically. So obviously, atomically, if this function, if this instruction executes to So if this instruction can swap the values of two variables atomically, then it must be executing in the kernel mode. Therefore, चलो समझने की कोशिश करते हैं। How can it be used to achieve the mutual exclusion? How can it be used to achieve the mutual exclusion? Again, the same concept. सारे मैंने आपसे क्या बोला है, जितने भी हार्डवेयर सॉल्यूशन है वो सब ताला लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक लॉक वेरिएबल होगा, यहाँ पर एक लॉक वेरिएबल होगा जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे विथ वैल्यू फॉल्स। Enter into the critical section with the help of this key. Now, what will happen? आप इस lock की value अगर false हो, इसका मतलब false means what? False corresponds to what? Zero. तो अगर lock की value false होगी, सिर्फ और सिर्फ तभी critical section में जा पाओगे अगर lock की value true है, तो फिर आप critical section में नहीं जा पाओगे. Clear? So this is what we are trying to do. Let's assume कि अगर आपकी कोई process है, अगर आपकी कोई process है. जब भी इस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉरगेट अबाउट द प्रोसेस, ये भी समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई क्रिटिकल सेक्शन है, अगर मेरे पास कोई क्रिटिकल सेक्शन है, तो उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने से पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन, सो वी आर ट्राइंग टू डिफाइन द एंट्री सेक्शन, देन वी आर डिफाइन द कैसे इस चीज का यूज होगा टू डिफाइन दी एंट्री एंड एग्जिट को, कैसे इस स्वैप वेरिएबल का यूज हो सकता है टू डिफाइन दी एंट्री एंड एग्जिट कोड टू एक्सेस दी क्रिटिकल सेक्शन। तो बात समझो, इनिशियली मैंने क्या डिफाइन किया है, इनिशियल कल तक बस टीएसएल ही डिस्कस हुआ था, हाँ कल तक सिर्फ टीएसएल ही डिस्कस हुआ था, ठीक है, नाउ टीएसएल ही हुआ था।
तो इनिशियली आपने की वैल्यू को क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है। जो आपने पहली बार वैल्यू सेट की होंगी कहीं पर, तो आपने लॉक को रखा होगा फॉल्स और की वैल्यू को रखा होगा फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट दी वैल्यू ऑफ की विल बी फॉल्स। तो जो भी प्रोसेस स्वैप फंक्शन का यूज़ करके म्यूचुअल एक्सप्रेशन को अचीव करने की कोशिश करेगी, वो सबसे पहले करेगी की इक्वल्स टू ट्रू। वो सबसे पहले वैल्यू को सेट करेगी की इक्वल्स टू ट्रू। नाउ इसको ट्रू करने के बाद ये फिर एक वैल्यू सेट चेक करेगी वाइल की, दैट इज व्हेनेवर की इज ट्रू, व्हेनेवर की इज ट्रू। अगर की ट्रू नहीं है तो आपको किसी चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हेनेवर की इज ट्रू यू विल एग्जीक्यूट अ फंक्शन स्वैप, एग्जीक्यूट अ फंक्शन स्वैप की एंड लॉक। सो दिस फंक्शन एग्जीक्यूट टू फंक्शंस, टू वेरिएबल्स, यू विल स्वैप दिस टू वेरिएबल्स की एंड लॉक। अब बात समझना, आपने इसको ट्रू कर दिया है। नाउ लॉक की वैल्यू अगर फॉल्स है, लॉक की अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या होगा, लॉक की वैल्यू अगर फॉल्स होगी तो आप इस लॉक की वैल्यू के फॉल्स होने पे, इस लॉक की वैल्यू के फॉल्स होने पे इस की को कर दोगे फॉल्स, इस की को कर दोगे फॉल्स और इस लॉक को कर दोगे ट्रू, क्योंकि आपकी की वैल्यू ट्रू है। की को कर दोगे फॉल्स और लॉक की वैल्यू को कर दोगे ट्रू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनिशियली लॉक इज फॉल्स तो लॉक की करंट वैल्यू फॉल्स है। इसका मतलब अभी जो भी प्रोसेस इसको रीड करेगी, जब लॉक की वैल्यू फॉल्स है तब वो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, क्योंकि अगर लॉक की वैल्यू फॉल्स है इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अभी कोई नहीं है, लॉक की वैल्यू जीरो है। सर यहाँ पर स्वैप फंक्शन तो कॉल करेगा ना बेटा, ये जो स्वैप फंक्शन है दिस दी स्वैप इंस्ट्रक्शन, गुलाम गौस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस स्वैप इज दी इंस्ट्रक्शन व्हिच इज सपोर्टेड बाय दी प्रोसेसर। हम उस स्वैप फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं जो आप यूज करते हो, प्लीज माइंड इट, ठीक है, कि ऐसा गलती से भी मत सोचना कि सर क्या ये वही स्वैप फंक्शन है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नहीं, ये सिर्फ मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है वो स्वैप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, और ये स्वैप इंस्ट्रक्शन आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को एटॉमिकली स्वैप कर सकता है। समझ गए बात को? यस, स्वैप इज एटॉमिक है। गुलाम गौस, समझ रहे हो, यहाँ पर ये जो स्वैपिंग होगी ये एटॉमिक होगी, बीच में कोई भी प्रीएम्प्शन नहीं होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी दिमाग में कोई वो मत रखना, यहाँ पर कोई भी ओके यस चल। तो और क्या, ये कैसे होगा, ये जो स्वैप फंक्शन है दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस व्हाइल लूप, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस। सो जब तक इस की वैल्यू ट्रू होगी, जब तक इस की वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी, ये इसी स्वैपिंग फंक्शन को बार 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 एग्जीक्यूट करता रहेगा। बात समझना, जब तक तो क्या होगा, व्हाइल की ये की वैल्यू को चेक करेगा, अगर की ट्रू है तभी अंदर जाएगा, ठीक है, इस स्वैपिंग के बाद भी अगर की वैल्यू ट्रू है तो फिर से ये वापस से कहां आ जाएगा, व्हाइल लूप पे आ जाएगा, वापस से अगर ट्रू है तो फिर वापस से बाहर आ जाएगा। ये इस व्हाइल लूप से बाहर कब निकलेगा, ये इस व्हाइल लूप से बाहर तब निकलेगा जब की वैल्यू फॉल्स हो, ये इस व्हाइल लूप से बाहर तब निकलेगा जब की वैल्यू फॉल्स हो। हाँ या ना? सो दिस इज योर एंट्री सेक्शन, ये जो पूरा है ये आपका एंट्री सेक्शन है। तो क्या ये बिजी वेटिंग है? यस सर, ये भी बिजी वेटिंग है। यू कैन एक्चुअली राइट इट लाइक दिस, बिजी वेटिंग अंटिल वैल्यू ऑफ की बिकम्स फॉल्स। ये कब तक वेट करता रहेगा? जब तक कि आपकी की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? हाँ, तो मुझे बताओ, की वैल्यू तो आपने ट्रू कर दी थी, की वैल्यू तो आपने ट्रू कर दी थी, तो की वैल्यू फॉल्स कैसे हो गई?
आप इस लूप से, आप इस व्हाइल लूप से बाहर कैसे आ गए? आप इस व्हाइल लूप से बाहर आ सकते हो अगर की वैल्यू फॉल्स हो जाए, तो की वैल्यू फॉल्स कैसे हो गई अगर आपकी की वैल्यू ट्रू थी? की वैल्यू फॉल्स कैसे हो गई अगर की वैल्यू ट्रू थी? की वैल्यू फॉल्स तब हुई होगी, की वैल्यू फॉल्स तब हुई होगी जब इस लॉक की वैल्यू फॉल्स हो गई होगी। इस की वैल्यू फॉल्स तब हुई होगी जब इस लॉक की वैल्यू फॉल्स हो गई होगी, और जैसे ही आपने ये स्वैप फंक्शन إياك نعبد وإياك نستعين،
Thank you.
एग्जीक्यूट करेगी वाइल के ना, अगर ये वाइल की एग्जीक्यूट कर रही है तो इसके लिए की वैल्यू क्या होगी? इसने की को ट्रू तो पहले ही कर दिया है, इसने की की वैल्यू को पूरा पहले ही ट्रू कर दिया, लेकिन ये दोनों शेयर्ड, ये दोनों एक ग्लोबल वेरिएबल की को यूज कर रहे हैं ना, ये दोनों एक ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को यूज कर रहे हैं। जब प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट करेगी वाइल की, तो इस की वैल्यू इसको क्या मिलेगी? इस की वैल्यू इसको पॉज मिलेगी। सुनो क्या बोल रहा हूँ, अभी जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसके ऊपर काम करो, फालतू की बातें मत करो। की वैल्यू इनिशियली आपने प्रोसेस P0 ने ड्रॉ कर दी है, की वैल्यू प्रोसेस P0 ने ड्रॉ कर दी है, फिर जो P1 था, ये जो P1 था ये आपकी की वैल्यू को ये भी ट्रू करता है, फिर ये वाइल की वैल्यू को देखता है, ये इसको ट्रू मिलता है, क्योंकि ये इसको ट्रू मिलता है तो ये अंदर जाता है, क्योंकि ये इसको ट्रू मिलता है तो अंदर जाता है, अंदर जाकर ये वैल्यूज को स्वैप करता है। जब ये वैल्यूज को स्वैप करता है तो वैल्यू को स्वैप करने के टाइम पर लॉक की वैल्यू हो चुकी है ट्रू, लॉक की वैल्यू हो चुकी है ट्रू, और की वैल्यू हो चुकी है फॉल्स, लॉक की वैल्यू हो चुकी है ट्रू और की वैल्यू हो चुकी है फॉल्स। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मैं वाइल की वैल्यू चेक करूंगा तो वाइल की के कारण ये वाला कंडीशन होगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये इसलिए सीधे बाहर आ जाएगा, और P0 कहाँ चला जाएगा? क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा? बोलो हाँ या ना। क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा? Now, जब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन में थी और P0 प्रीएम्प्ट होती है और वापस से P1 एग्जीक्यूट करता है तो P1 क्या करेगा? अगर प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट होती है तो P1 क्या करेगा? अगर P0 बाहर P0 क्रिटिकल सेक्शन में है, P0 क्रिटिकल सेक्शन में है और P0 प्रीएम्प्ट हो जाता है, उसके बाद P1 एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा? क्या P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी या नहीं? क्या P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी या नहीं? एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा, फिर क्या करेगा? इसको नेक्स्ट काम क्या करना था? जब इसने यहाँ से रिटर्न किया, जब इसको ये बाहर करेगा तो इस लूप से बाहर आती, जैसे ये टर्मिनेट करेगा तो इसको वापस से इस एड्रेस पे ले जा करके छोड़ देगा, तो इस एड्रेस पे ले जाने के बाद ये वापस से वाइल की को चेक करेगा, ये वापस से क्या करेगा? वाइल की को चेक करेगा, और जब ये वापस से वाइल की को चेक करेगा तो की वैल्यू तो फॉल्स ही है ना, की वैल्यू तो फॉल्स ही है क्योंकि इस बंदे ने तो कभी उसको सेंस किया ही नहीं, तो अगर की वैल्यू फॉल्स है तो अगर की वैल्यू फॉल्स है तो ये जो आपकी प्रोसेस P1 है ये भी क्रिटिकल, तो P0 तो पहले से क्रिटिकल सेक्शन में थी, अब P1 भी क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी। आया ना? तो क्या दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में चली गई? क्या दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में चली गई? So let's try to understand. This is the solution which is available at the presser key. Also, to P1 be the critical section. And trust me. हाँ, फिर तो mutual exclusion guaranteed ही नहीं हुआ. मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ. This is the solution which people suggest that this can be utilized. This can be used to achieve the mutual exclusion. This is the solution जिसके लिए लोग बोलते हैं that this can be used to achieve the
म्यूचुअल एक्सक्लूजन दैट क्योंकि की और लॉक को वो एटॉमिकली स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि की और लॉक को वो एटॉमिकली स्वैप कर सकते हैं इसलिए वो उस तरीके से सोचते हैं। बट द आइडिया इस स्वैप फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद, इस स्वैप इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद भी तो आपकी स्वैपिंग हो सकती थी, और सॉरी इस स्वैप इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के तुरंत बाद भी तो आपका प्रीएम्पशन हो सकता था। तो जस्ट आफ्टर दिस अगर इसका प्रीएम्पशन हो जाता, जस्ट आफ्टर दिस इसका प्रीएम्पशन हो जाता तो प्रोसेस पी जीरो को भी की वैल्यू फॉल्स मिलती, इसका मतलब उसकी वाइल कंडीशन भी फॉल्स हो जाती और यहाँ पर भी इसकी कंडीशन भी क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। तो अगर दोनों की कंडीशन फॉल्स हो जाती है इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं, पूरा वाइल ही होना चाहिए एटॉमिकली, यस पूरा वाइल ही एग्जीक्यूट होना चाहिए एटॉमिकली, अदरवाइज यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अगर सिर्फ स्वैप फंक्शन एटॉमिक है, अगर सिर्फ स्वैप फंक्शन एटॉमिक है तो ये वाली चीज काम नहीं करेगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑनेस्टली दिस इज स्टेटमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, आई एम नॉट वेरी गुड इन दी सी प्रोग्राम, नो रिक आई मीन डोंट थिंक कि ऐसा है। हर किसी को सारी चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी नहीं है, हर किसी को सारी चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानना है आप लोगों से, आई मीन यू गाइस कैन एक्चुअली आस्क पंकज सर अबाउट दिस कि सर अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिटर्न कर रहा है तो ये जो की वैल्यू है, ये जो की वैल्यू है ये यहाँ से रिटर्न करने के बाद इसको अलग से एग्जीक्यूट करता है या इसके तुरंत बाद ये पहले की वैल्यू को पास कर देता है, वाइल लूप कैसे काम करता है ये चीज़ आप सबसे देखना है, क्योंकि वाइल का जो कोड है कि वाइल एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, हो सकता है वाइल की वर्किंग कुछ अलग तरीके की हो, सकता है वाइल की वर्किंग कुछ अलग तरीके की हो, लेकिन अगर वाइल जिस तरीके से मैं समझता हूँ और अगर आप लोगों ने भी ऐसा ही कहा है तो शायद आप भी वाइल को उसी तरीके से समझते हो, कुछ अलग तूफानी हो तो मुझको पता नहीं, कुछ अलग तूफानी हो तो मुझको पता नहीं, अगर इस तरीके से इनको चीज़ें समझते हो तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि स्वैप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके क्रिटिकल सेक्शन को म्यूचुअली एक्सेस करने के काम में लाया जा सकता है। क्लियर है, समझ लो बात को, समझ लो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द सॉल्यूशन व्हिच इज अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दैट दिस कैन बी, हाँ पंकज सर से ही पूछना पड़ेगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ दिस इज समथिंग जो मेरे उससे थोड़ा सा मुझको कभी कभी बाहर लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको वैसे देखना। सर इवन वेल बीइंग एटॉमिक प्रीएम्पशन ऑन क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल सेक्शन क्या बोल रहे हो अक्षर सर, इवन वाइल बीइंग एटॉमिक प्रीएम्पशन ऑन क्रिटिकल सेक्शन विल कॉज प्रॉब्लम, ऑन क्रिटिकल सेक्शन मींस व्हाट, ये कौन सा नया टर्म है, अब सीधे सीधे लिख दिया करो क्या कहना चाह रहे हो, प्रीएम्पशन ऑन क्रिटिकल सेक्शन मींस इन व्हाट टर्म, कि अगर प्रोसेस पी जीरो जो क्रिटिकल सेक्शन में है तब प्रीएम्प्ट हो जाए या क्या, यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अगर प्रीएम्प्ट हो भी जाए तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आ पाए। गुलाम गौस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ इफ दिस इज दी कोड, इफ दिस इज दी कोड विच इज यूज्ड टू अचीव दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मैं इसको स्किप भी कर सकता था फॉर दी सेफ्टी प्लेस कि आप लोगों को इस प्रॉब्लम में नहीं डालता, मैं इस चीज़ को स्किप भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्वैप इंस्ट्रक्शन फॉर सिंक्रोनाइजेशन क्योंकि मार्केट में है कि स्वैप इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज्ड टू अचीव दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो वो उसके लिए क्या कोड देते हैं, मैंने आपके साथ वो कोड डिस्कस किया है कि भाई वो बोलते हैं बूलियन ले लो फॉल्स टाइप का, की ले लो फॉल्स टाइप की, और अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करेगी तो वो क्या करती है, वो प्रोसेस की इक्वल्स टू ट्रू सेट करती है और फिर वाइल कंडीशन को विद रिस्पेक्ट टू की चेक करती है, जब तक की वैल्यू ट्रू है तब तक वो की और लॉक की वैल्यू को स्वैप करती रहती है, तब तक वो की और लॉक की वैल्यू को स्वैप करती रहती है। अगर की और लॉक दोनों ही वन है, अगर की और लॉक दोनों ही वन है तो वन मन से स्वैप होता जाएगा, वन मंथ से स्वैप होता जाएगा और इसको यहाँ पर की वैल्यू हमेशा वन मिलेगी, लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इस लॉक की वैल्यू जीरो हो जाए तो की के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर की के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा या फिर फॉल्स आ जाएगा, उस केस में वाइल विल रिटर्न फॉल्स, उस केस में वाइल विल रिटर्न फॉल्स, वाइल की जो कंडीशन होगी दैट विल बी फॉल्स, वो बाहर आकर के क्रिटिकल सेक्शन में चली जाएगी।
यू गाइस आर ट्राइंग टू से कि सर व्हाट इफ की इज लोकल, सर की लोकल लिया जाए तो इफ प्रियम्पशन इज, क्या बोल रहे हो सर, दैट्स व्हाई मिशन एक्सप्लेन, इफ प्रियम्पशन इज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल सेक्शन ऑफ P0 देन P1 कैन गो इन सी दिस की इज फॉल्स। क्या बात कर रहे हो अक्षत, पहली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या मेरी, पहली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या अक्षत मेरी, अगर इस तरीके की बातें करोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं निकला ना, इस तरीके से बातें करोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला। तो दिस की हैज टू बी डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे, लाइक आई डोंट नो कि ये किस तरीके से डिफाइन होनी चाहिए, बट सी का कॉन्सेप्ट है मैं काम करता हूँ इस चीज के लिए सर, बट दी सॉल्यूशन शुड प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सप्लेन, वही चीज तो कह रहा हूँ तुमसे कि मुझे सी का वो नहीं है, तो क्या इस चीज को किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है, क्या इस चीज को किसी और तरीके से यूज किया जा सकता है, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, कि अगर मैं की वैल्यू को इनिशियली फॉल्स दे रहा हूँ, ये जो भी यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, अगर इस की वैल्यू को अगर मैं लोकल बना देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मली बूलियन की ना लेकर के इसको किसी और तरीके से इनिशियलाइज करता हूँ, तो क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि द आइडिया इज मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी देखो मैं इसको ओपन एंड पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसको ओपन एंड पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट है कि इज लोकल देन म्यूचुअल एक्सप्लेन इज पॉसिबल, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, अगर की लोकल है, अगर की लोकल है तो सबको अपनी अपनी की वैल्यू मिलेगी, अगर की लोकल है तो सबको अपनी अपनी की वैल्यू मिलेगी, हर कोई अपनी की को इनिशियलाइज कर सकता है, इसका मतलब मैं उसको पूरे स्टार्टिंग से फॉल्स नहीं देता हूँ, इसको ऐसे ही कर लेते हैं ताकि जीवन में परेशानियाँ रहे ही ना, बिकॉज दिस इज दी कोड जो आपको मिलेगा, तो ऐसा कर लेते हैं कि इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, अगर मैं इसी कोड को इस तरीके से लिखता हूँ देन व्हाट विल हैपन, जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस इस वाइल लूप के अंदर ही, जो भी प्रोसेस है अगर वो इस वाइल लूप के अंदर ही एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करे, वो इस वाइल लूप के अंदर ही एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करे जिसकी इक्वल्स टू ट्रू, तो इसको अपनी की मिलेगी, ये उसके साथ स्वैप करेगा, दूसरी प्रोसेस को दूसरी की मिलेगी, वो उसके साथ स्वैप करेगा, आई गेस इन दैट केस दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, सो लॉक तो फॉल्स हो जाएगा, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल की के साथ ही काम करेंगे, सो लेट्स डू वन थिंग, मे बी वी शुड चेक दी कोड अगेन, नो की इज लोकल देन म्यूचुअल एक्सप्लेन इज पॉसिबल, यस सर लोकल लेंगे तो ट्रू मिल सकता है, म्यूचुअल एक्सप्लेन हो सकता है, हाँ तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, बट दिस इज दी जनरल कोड, मैं आपको वो कोड नहीं बता रहा हूँ जो मैंने बताया है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ दैट दिस इज दी नॉर्मल कोड जो मुझे देखने को मिला, तो मैं उसी कोड को डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि ये वाली सिचुएशन है वाइल कंडीशन, और यहाँ पर हमने की को पहले ही डिफाइन कर दिया था और हम उस की को यहाँ पर अपडेट कर रहे थे, तो वॉज नॉट बींग लोकल, और एक और की वर्ड है, देखो एक और चीज़ सर, नहीं फिर तो हमेशा लूप में रहेगा, नहीं फिर तो हमेशा लूप में रहेगा, कौन से लूप में रहेगा भाई हमेशा, कौन से लूप में रहेगा, ये लूप यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, सुनो 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 दूर से गुलिया मालू, ये वाला जो है ना ये यहाँ से इनिशियलाइज हुआ है और ये यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, इसको जाने दो, जब भी मैं वाइल में लूप में जाऊँगा मैं हमेशा इस की को ट्रू कर दूंगा, जब भी मैं वाइल में जाऊँगा मैं हमेशा इस की को ट्रू कर दूंगा, इसका मतलब अगर 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 इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, सुनना कहानी क्या होगी, इसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है आई गेस, इसके अंदर भी नहीं नहीं होगी, क्योंकि मैं बाहर आते टाइम लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर आते टाइम लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर दे रहा हूँ, तो नहीं होगा, सो दिस विल वर्क फाइन, दिस शुड वर्क फाइन सर, की इज नॉट शेयर्ड वेरिएबल, सो की इज नॉट शेयर्ड वेरिएबल दैट कैन डू, दिस विल बी यूज्ड हियर, दिस विल बी यूज्ड हियर, बूलियन की हैज टू बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लेकिन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप कि अगर नहीं है, अगर ये नहीं है तो हमको कुछ नया ही सीखने को मिला, हमको कुछ नया ही सीखने को मिला, डोंट वरी, अगर मैं यहाँ पर इस की को ग्लोबल कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस की को ग्लोबल कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस की को ग्लोबल कर देता हूँ देन सॉल्यूशन विल बिकम इनकरेक्ट, हाँ ना,
अगर मैं इस की को ग्लोबल कर देता हूँ तो हमको एक नई चीज समझ में आ गई, वॉट एवर, अगर हम गलतियां करते हैं तो भी उससे हमको कुछ चीज सीखने को मिलती है कि अगर मैं इस की को यहाँ पर ग्लोबल कर देता हूँ तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम इंश्योर करना चाह रहे हैं वो इंश्योर नहीं हो पाएगा. सो दिस की हैज टू बी लोकल, दिस की हैज टू बी लोकल. और अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि सर अगर इस की को मैं लोकल बना देता हूँ तो उस केस में ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी बाहर आते हो की को पॉज कर देते हो, जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन में जाते हो इस वाली चीज़ को सेट कर दो, जब भी आप क्रिटिकल सेक्शन में जाते हो तब आप इस चीज़ को सेट कर रहे हो. जब जब आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे, जब जब आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे आप इंडिविजुअल की यूज़ करोगे, जब जब आप क्रिटिकल सेक्शन में जाओगे आप इंडिविजुअल की यूज़ करोगे, या तो फिर विद इन दी प्रोसेस सेम की कैन बी यूज, क्योंकि विद इन दी प्रोसेस आप मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन को एक साथ एक्सेस करने की कोशिश नहीं करोगे. विद इन दी क्रिटिकल विद इन वन प्रोसेस, सो गेटिंग द आइडिया, विद इन वन प्रोसेस यू कैन यूज वन की एंड फॉर अनदर प्रोसेस यू विल हैव टू यूज अनदर की. वाई सर? क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल सेक्शन हो सकते हैं, एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हर क्रिटिकल सेक्शन के लिए वो सेम की को यूज कर सकता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक ही क्रिटिकल सेक्शन को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक ही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो एक ही क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा. बट द गुड थिंग इज क्या होगा, जब भी, सुनना अच्छे से, जब भी आप एक क्रिटिकल सेक्शन के बाद इसी प्रोसेस का दूसरा क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने की कोशिश करोगे आपको हमेशा कि वापस से की इक्वल्स टू ट्रू बोलना पड़ेगा. जब भी आप वापस से दूसरी बार क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करोगे आपको वापस से की इक्वल्स टू ट्रू बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर की वैल्यू फॉल्स है. हाँ, समझे बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हो गया, डाउट क्लियर है सबको? क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट वन क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज जस्ट अ सिंगल क्रिटिकल सेक्शन. अगर एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शंस हो, अगर एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शंस हो, तो मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन के अंदर क्या होगा, जब भी आप एक नया क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने की कोशिश करोगे आप सेम की को, आप सेम वेरिएबल को यूज कर सकते हो, आप सेम वेरिएबल को यूज कर सकते हो जो आपने डिफाइन किया है अपनी प्रोसेस के अंदर, बट एवरी टाइम यू ट्राई टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन जस्ट बिफोर यूजिंग दिस व्हाइल लूप, जस्ट बिफोर यूजिंग दिस व्हाइल लूप यू विल हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ की इक्वल्स टू टू, यू विल हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ की इक्वल्स टू टू. Why? क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरी बार जब आप जाओगे तो आप की वैल्यू फॉल्स लेकर के जाओगे और दो स्वैपिंग में आपको की वापस से फॉल्स मिल जाएगा और आप वापस से क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे. हाँ या ना? सर बेटा प्रवीण कैसे, मैं लोकल करके ग्लोबली कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ, हर प्रोसेस के पास अपना है. प्रवीण समझ गए? अरे तो शेयर्ड वेरिएबल लॉक है ना, आप की को क्यों शेयर कर रहे हो, आप शेयर्ड वेरिएबल सिर्फ लॉक को यूज कर रहे हो, इसको बोल रहा हूं दिस इज नॉट शेयर्ड, देयरफॉर आई एम सेइंग दैट दिस इज लोकल. गुलाम क्लियर है? प्रवीण आपने कुछ लिखा था मुझे हल्का सा दिखा, क्या वो आपको क्लियर है? क्या किसी को भी अभी यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई दिक्कत है? जब मैंने बोल दिया, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये वाली चीज नहीं होगी, दिस विल नॉट बी प्रेजेंट, एंड दी स्टोरी इज जब भी कोई प्रोसेस P0 चलेगी तो वो हर प्रोसेस अपने लिए एक की को यूज करेगी और वो की उस प्रोसेस के कोड के अंदर उसके लिए लोकल होगी, वो की उस प्रोसेस के कोड के लिए लोकल होगी. बट द आइडिया इज जब भी, सो दिस इज द कंप्लीट कोड ऑफ एंट्री सेक्शन, दिस इज द कंप्लीट कोड ऑफ एंट्री सेक्शन. व्हाट डज इट मीन जहां भी आप क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, जहां भी आप क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, उस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने से पहले आप ये की इक्वल्स टू ट्रू हर बार इनिशियलाइज करोगे. पहली बार आप बूलियन के साथ दे रहे हो, लेकिन हर बार जब भी आप इसको एक्सेस करोगे आप की इक्वल्स टू ट्रू हर बार इनिशियलाइज करोगे, क्योंकि अगर आपने हर बार की इक्वल्स टू ट्रू को इनिशियलाइज नहीं किया तो आपके दो रोटेशन में आपका सारा का आपके दो रोटेशन में आप वापस से क्रिटिकल सेक्शन में चले जाओगे नो मैटर व्हाट. है ना? So this log is shared, but everything else is
I mean, the key, not everything else. The key is local to your processes. Every process will use its own key for the purpose of swapping. Every process will use its own key for the purpose of swapping. सॉल्यूशन पढ़ रहे थे आज, खुद बना लिया. बना लिया वाली बात नहीं है. देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर अगर आप डिस्कशन करोगे और अगर आप चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, देन यू विल कम टू नो दैट यू हैव मेड सम मिस्टेक. मैं इसीलिए इस चीज को आपके सामने रन करके देखा कि जैसे मैंने बोला कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड, मैंने इसको जैसे ही देखा मुझे लगा कि ये की यहाँ पर है. अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिम करता हूँ ना, दस जस्ट समथिंग जो आप प्रैक्टिस के साथ सीख लोगे कि अरे यार ये यहाँ पर दिख तो रहा है, लेकिन अगर ये प्रिम्प्ट हो जाएगा तो यहाँ से तो फॉल्स आएगा, तो अगर यहीं पर प्रिम्प्ट हो गया तो दूसरों को भी फॉल्स मिलेगा, अगली बार ये इसको जाकर के एग्जीक्यूट करके अंदर चला जाएगा. सो सिंपल कॉन्सेप्ट, बट लिखने में आ रहा कहीं और से समझने में, तो मैंने भी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था. अब भी पहली बार इस चीज को देखा हो गई थी. सो डोंट वरी, सबको मैं कोड गंदा कर चुका हूँ, तो इसलिए कौन सी चीज आपको नहीं नोट डाउन करनी है वो मैं हटा देता हूँ. कौन सी चीज आपको नहीं नोट डाउन करनी है, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, तुम रहोगे, अरे रे रे, व्हाटएवर इज नॉट रिक्वायर्ड उसको मैं हटा देता हूँ. तुम चले जाओगे घर, so you can have some non critical section before this entry section, then whenever you want to access the critical section aap ye entry section likhoge, jab bhi bahar aoge to exit section likhoge, uske baad aapke paas wapas se aur non critical section ho sakte hain. jab jab aap critical section ko access karoge aap ye wala code likhoge, jab jab aap entry exit section ko access karoge, critical section se bahar aoge, aap ye wala code likhoge. ab de villiers tumne wo purani dukhte hue rakho hath तो मुझे बताओ, इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड? यस सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल बी गारंटीड, द सॉल्यूशन विल बी एग्जैक्टली लाइक. तो ये क्या कर रहा है, ये सेम काम कर रहा है जो हमारा TSL करता था. म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल बी गारंटीड, क्या प्रोग्रेस गारंटी होगी? कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं करना चाहती, वो स्वैप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इसका मतलब वो लॉक की वैल्यू को जीरो से वन नहीं करेगी. इसका मतलब प्रोग्रेस विल आल्सो बी गारंटीड. बट क्या करते हैं, रुक जाना ना, आते हैं प्रवीण, आता हूँ तुम्हारे पास. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन विल बी गारंटीड, प्रोग्रेस विल बी गारंटीड, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोग्रेस विल बी गारंटीड, व्हाट अबाउट बाउंड्री वेटिंग? अगेन मल्टीपल प्रोसेसेस मे ट्राई टू एक्सेस द सेम क्रिटिकल सेक्शन. अगर एक से ज्यादा प्रोसेस इस एंट्री सेक्शन पर फंसी हुई है, तो सबसे पहले ये लॉक की वैल्यू किसको मिलेगी ये पता नहीं. कोई ऑर्डर नहीं है जिस प्रोसेस में, जिस ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है जिस ऑर्डर में आप ये बोलो कि उस ऑर्डर में आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे. TSL पढ़ा दिया बेटा, TSL पढ़ा दिया कल वाली क्लास में. एवी डिविजन्स सर, अब देखो प्रवीण वापस से आए हैं, वापस से आए, इसको फिर से समझ लेते हैं. स्टिल दिस कोड वोंट सेटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ओके समझते हैं, बिकॉज हाँ बाउंड्री वेटिंग नॉट सेटिस्फाइड. स्टिल दिस कोड, सुन लो अच्छे से सारे लोग, ये मत सोचो कि आपको सारी चीजें आती हैं, सिर्फ सुनो. अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा आया जो वो बोल रहे, तो
क्या करूं, वो आपका एक एनालिसिस है। सो स्टिल दिस कोड वोंट सेटिस्फाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिकॉज इफ वी प्रीएम्प्ट प्रोसेस पी जीरो, दिस अज्यूम टू प्रोसेसेस, दिस इज पी जीरो, सम अदर प्रोसेस पी वन विल हैव इट्स हर ऑन स्टोरी, ठीक है। प्रोसेस पी जीरो आफ्टर की इक्वल्स टू ट्रू, आफ्टर की इक्वल्स टू ट्रू, बोलो प्रोसेस जाओ घर, ठीक है। एंड मेड पी वन गो क्रिटिकल सेक्शन हियर, प्रीएम्प्ट पी वन अगेन गिव चांस टू प्रोसेस पी जीरो ऑल्सो। अरे लॉक बदल गया प्रवीण, लॉक शेयर्ड था, तो जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया होगा वो इस लॉक को वन कर गया होगा, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया होगा प्रवीण वो इस लॉक को वन कर गया होगा, तो इस जीरो के बाद जब ये इसको स्वैप करेगा, इस जीरो के बाद जब ये इसको स्वैप करेगा, अब फिर वही गलती कर रहे हो, तुमको ये लग रहा है कि इसने इसको ट्रू किया था उसके बाद ये प्रेम्प्ट हो गया, प्रवीण उठा करके तुमको कहीं और लेकर के चला जाऊंगा, तुम ना मार्स वार्स भी छोड़ के आ जाऊंगा अगर वापस सेम तरीके की बात बार बार करी तो। आपने इसको ट्रू किया, आप इसको छोड़ करके चले गए, अगर दूसरी प्रोसेस की को यूज करती है और वो यहाँ पर स्वैपिंग के बाद उसकी की को फॉल्स कर देती है, तो ये जो की कॉपी होगी ये सिर्फ प्रोसेस P1 के लिए लोकल होगी, वो कभी भी इस की वैल्यू को चेंज कर ही नहीं रही है। कहां से आए हो प्रवीण? नो इफ एनी प्रोसेस गेट सीएस देन फॉर अदर प्रोसेस लॉक एंड की पॉथ इज ट्रू एंड दैट्स व्हाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन। या अक्षर प्रवीण नींद से जागो, हो गया सब कुछ है ना, अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर करने के लिए, जो हम एक गलती कर सकते थे हमने वो गलती कर ली और वो गलती सुधार ली, हम एक गलती कर सकते थे हमने वो गलती कर ली और उसको सुधार ली, क्लियर। चलो सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो द आइडिया इज वी हैव सीन फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव सीन फाइव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी बोल चुका हूं, यहां पर ये बिजी वेटिंग है, दिस इज बिजी वेटिंग कब तक, जब तक की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती, दिस इज बिजी वेटिंग अंटिल द वैल्यू ऑफ की बिकम्स फॉल्स, क्लियर। तो इसका मतलब हमारे जो सिंक्रोनाइजेशन के सॉल्यूशन थे उसके अंदर मैंने 5 सॉल्यूशन देखे अभी तक, एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, जो एक और हार्डवेयर सॉल्यूशन है अनदर हार्डवेयर सॉल्यूशन, एक और जो सॉल्यूशन है उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट्स। तो लैग एपिडिविलियर्स अगर रेगुलर नहीं हो सकते तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन पूछ करके मुझे और सबको परेशान मत करो, अलग से पूछ लेना, है ना प्रवीण, बट वी आर नॉट चेकिंग लॉक, क्या आप समझ लेना, बाकी किसी को दिक्कत है एक चीज के लिए इतना टाइम नहीं दे सकते कि आप उसको पकड़ के बैठ रहे हो यहीं पर सारे के सारे, रिसर्च नहीं करने हैं हमको, बट वी आर नॉट चेकिंग लॉक एट द टॉप ऑफ द स्वैप इंस्ट्रक्शन, जरूरत ही नहीं है बिकॉज लॉक इज शेयर्ड, जरूरत ही नहीं है बिकॉज लॉक इज शेयर्ड, आपने लॉक को एक बार इनिशियलाइज कर दिया है उसके बाद लॉक की जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, उसको आप कुछ नहीं करने वाले हो, अगर एकदम ही बिल्कुल खत्म कर करके देख रहे हो तो उसको उस तरीके से समझ लेना, ठीक है। और सिमाफोर नहीं पढ़ाया है, डिसेबलिंग ऑफ इंटर, तो सर ये वाली क्या कहानी है, दैट्स वेरी क्विक, दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बात समझना, हम क्या चाहते हैं, एक प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में हो तो कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आए, जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए क्या चाहिए, दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए चाहिए कि वो पहली प्रोसेस को CPU से प्रीएम्प्ट करे और उसके बाद वो खुद आकर के CPU पर एग्जीक्यूट करे और अपने क्रिटिकल सेक्शन में चली जाए, है ना, दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड। अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ इंटरप्ट को तो इससे क्या होगा, बात समझना, अगर किसी भी प्रोसेस को कभी भी प्रीएम्प्ट किया जाता है तो वो किस फॉर्म में किया जाता है, प्रीएम्प्शन विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस CPU से प्रीएम्प्ट होगी देन दैट विल बी बेस्ड ऑन एन इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट ही नहीं आएगा
अगर आप ऑल सारे के सारे इंटरप्ट को डिसेबल कर दे रहे हो, अगर आप सारे के सारे इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दे रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सारे के सारे इंटरप्ट को डिसेबल कर देने के बाद आपकी जो भी प्रोसेस सीपीयू पर रन कर रही है उस प्रोसेस को कोई भी प्रियम्प्ट नहीं कर सकता, जब तक कि वो प्रोसेस वापस से जा करके, जब तक कि वो प्रोसेस वापस से जा करके सारे के सारे इंटरप्ट्स को इनेबल नहीं कर देती। व्हाट डज इट मीन, समझना सर। तो क्या ये किया जा सकता है? हाँ ये किया जा सकता है, हाँ ये किया जा सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? बात समझना, हर प्रोसेस के साथ ऐसा हो, हर मतलब जनरली हर सिस्टम में ये होता ही, जनरली हर सिस्टम में ये होता ही है। आप बोलोगे क्या? अब सुनना, क्या आपने सीओए में एक चीज पढ़ी है, इंटरप्ट? नहीं पढ़ी है ना? तो अगर नहीं पढ़ी तो एक चीज समझना, जब भी मैं किसी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ, जब भी मैं किसी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ तो उसको कोई और प्रियम्प्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। जब भी आप किसी इफ यू आर नॉट रॉन्ग देन डू दी रिसर्च, मैं उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करूंगा प्रवीण। अगर आपको कुछ भी करना है बाद में कर लीजिएगा, है ना, हम ये सारी चीजें बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मैं उसको यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करूंगा। आई डिड नॉट से कि मैंने लॉक की वैल्यू को चेक नहीं, सेट नहीं किया है। दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग, दैट दिस इज अ ग्लोबल वेरिएबल और इसको कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको कहीं भी यहाँ पर यूज किया है लॉक, देन दिस इज एक्चुअली दी सेम लॉक विच इज ग्लोबल। पूछ लो, चलो तुम ही लोग पढ़ लो, मैं थोड़ी देर से पढ़ा लेता हूँ। जब आप लोग पढ़ चुके हो तो मुझे बता देना, थोड़ा सा मैं भी पढ़ा लूँ। Thank you.
प्रवीण, आई जस्ट होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना प्रवीण, कि प्रवीण एकदम ही स्टूपिड हो क्या? मैं इतना टाइम दिया उसके बाद भी तुम सोचना ही नहीं चाहते, तो सुनो इधर एक बार आखिरी बार सुनना, और उसके बाद मैं वापस से इस चीज को नहीं बोलूंगा। आप बोल रहे हो कि सर हम लॉक की वैल्यू कहाँ चेक कर रहे हैं, आप यही जानना चाहते हो ना कि लॉक जीरो है या वन? अगर लॉक जीरो होगा तो अंदर जाऊंगा, और लॉक वन है तो, अरे पागल पागल हो क्या? सुन लो मेरी बात एक बार, लिखना बंद करो बिल्कुल। आप यहाँ पर लॉक और स्वैप को चेक, लॉक और की को स्वैप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर की को ही चेक कर रहे हो ना, तो अगर की फॉल्स हो रही है तो वो सिर्फ कब हो सकती है? जब स्वैप होने के बाद, अगर स्वैप होने से जस्ट पहले लॉक की वैल्यू फॉल्स रही होगी। अगर आप यहाँ पर की वैल्यू चेक कर रहे हो और ये एक लूप में है और आप इसको बार बार कर रहे हो, तो आप कब तक कर रहे हो ये? जब तक कर रहे हो जब तक कि जस्ट पहले अगर लॉक की वैल्यू फॉल्स रही होगी तो वो की के अंदर आ जाएगी और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप बाहर आ जाओगे। तो अब इस की के थ्रू इस लॉक की वैल्यू को चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये की फॉल्स होने का मतलब क्या कि स्वैपिंग से जस्ट पहले की लॉक की वैल्यू फॉल्स थी, हाँ या नहीं? बातें कर रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं सर आई एम नॉट रॉन्ग आई एम डैम श्योर, तो खुद ही पढ़ लो, सोचो भी ना थोड़ा। आई एम नॉट बीइंग सो हार्श फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, अगली बार से अगर ऐसा हुआ ना तो यूट्यूब बंद, ये अननेसेसरी डिस्कशन में बाकी लोगों का नुकसान नहीं करूंगा, सो प्लीज कल से ही बंद कर रहा हूँ, खत्म करते हैं पिक्चर, बहुत हो गए आज, देखो कल से नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब, सॉरी। आर्ग्यूमेंट मत करो, क्या बोल रहा था मैं, एक सेकंड लगेगा बॉस, दिमाग थोड़ा सा जब गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा एक आध मिनट के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा एक आध मिनट का लिए होल्ड कर लो, मैं कल कुछ का कुछ पढ़ा दूंगा, सब आपको भी अजीब लगेगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट, नो मोर स्टूपिड थिंग्स टुडे, अदरवाइज एवरीथिंग इज गोना गेट वर्स। सो समझते हैं बात, क्या कहानी है? तो हम ये बोल रहे थे कि सर ये कैसे काम आ सकता है, ये जो एक छोटी सी चीज़ है कि आप डिसेबल कर दोगे इंटरप्ट को, ये चीज़ कैसे काम आ सकती है? तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हम चाहते ये हैं कि अगर एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रही हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो प्रियम्प्ट हो जाती है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल अपने क्रिटिकल सेक्शन में ना आ पाए, है ना। सो द आइडिया, दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में कैसे आ सकती हैं, दो प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में कैसे आ सकती हैं, दो प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में आएंगी जब एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में हो, वो प्रियम्प्ट हो जाए और दूसरी प्रोसेस अपना कोड एग्जीक्यूट करते करते उसी सेक्शन ऑफ कोड में आ जाए जहां पर वो भी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही है, तो हम बोलते हैं दोनों प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में आ गए, है ना। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में थी वो प्रियम्प्ट हो गई और दूसरी प्रोसेस को वहां पर आने का मौका मिला। अब हम एक सिंपल सी चीज करते हैं कि अगर एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट कर रही है अपने क्रिटिकल सेक्शन को, उस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से जस्ट पहले
बंद करो यार, बंद करो। उस सेक्शन में जाने से पहले, जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा रही है, उस सेक्शन में जाने से जस्ट पहले अगर वो इंटरप्ट को डिसेबल करते हुए चली जाती है, तो अब जब तक वापस से नेक्स्ट टाइम इंटरप्ट्स इनेबल नहीं हो जाते, तब तक उस रनिंग प्रोसेस को आप प्रियम्प्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज प्रियम्प्शन विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट, एंड इंटरप्ट विल अकर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रोसेस विल गेट प्रियम्प्टेड। है ना? तो फिर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले इंटरप्ट को डिसेबल करते चले जाओ, और क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते टाइम इंटरप्ट को इनेबल करते चले आना। इससे आसान क्या ही हो सकता है दोस्तों दुनिया में, इससे आसान क्या ही हो सकता है दुनिया में। हाँ या ना? यस और नो? सो सर बहुत बढ़िया है, फिर अगर ये इतना अच्छा सॉल्यूशन है तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते? गाइस, इंटरप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल इन दी सिस्टम। तो दो दी कैपेबिलिटी इज अवेलेबल, दो दी कैपेबिलिटी इज अवेलेबल टू डिसेबल दी इंटरप्ट, बट उसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। क्या? सबसे पहली चीज तो एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सिर्फ उसी प्रोसेसर के लिए इंटरप्ट को डिसेबल कर सकती है जिस प्रोसेसर के ऊपर वो काम करे। इसका मतलब दूसरे प्रोसेसर के ऊपर अभी भी, दूसरे प्रोसेसर के ऊपर अभी भी सेम कोड सेम जगह पे जा सकता है। हाँ या ना? बात समझ में आई? अगर मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, अगर मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट है, और अगर आप दो प्रोसेसर हैं, एक है CPU 1 और एक है CPU 2, और दो प्रोसेसर हैं P1 एंड P2, और इन दोनों का एक क्रिटिकल सेक्शन है, इन दोनों का एक क्रिटिकल सेक्शन है, तो P1 प्रोसेसर CPU पर काम करती है, P1 प्रोसेसर CPU पर काम करती है, और इस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले अपने जो इंटरप्ट्स हैं उनको डिसेबल कर देती है। तो अब CPU 1 पर कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा, अब CPU 1 पर कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन क्या ये प्रोसेस P2 CPU 2 पर रन कर सकती है? लेकिन इसका मतलब ये प्रोसेस P1 CPU पर ही रहेगी, प्रोसेस P1 CPU 1 पर ही रहेगी, लेकिन ये जो प्रोसेस P2 है ये डेफिनेटली CPU 2 के ऊपर तो रन कर ही सकती है ना। आया ना? और अपने CPU 2 पर रन करते करते ये प्रोसेस P2 भी अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। इसका मतलब सेम क्रिटिकल सेक्शन, आई मीन दोनों प्रोसेस का जो क्रिटिकल सेक्शन है वो एक्सेस हो रहा है, एक जगह वो एक्सेस हो रहा है CPU 1 पर, और दूसरी जगह वो एक्सेस हो रहा है CPU 2 पर, इवन व्हेन द इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड फॉर बोथ द प्रोसेसर्स। यस और नो? तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो इसका सॉरी इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो गया, कि अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, तो आप इस कॉन्सेप्ट का तो यूज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में रन कर सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन में काम कर सकता है, जब आपका जो सिस्टम है वो यूनी प्रोसेसर सिस्टम हो। अगर आप उस यूनी प्रोसेसर सिस्टम, इसका मतलब जो एक ही प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर के इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हो, तो फिर उस प्रोसेस को आप प्रिएम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब दूसरी प्रोसेस जो सेम वेरिएबल को शेयर करना चाहती है, वो CPU पर आकर के एग्जीक्यूट करके वो सेम वेरिएबल को एक्सेस कर ही नहीं, शेयर्ड वेरिएबल जो भी है उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएगी। है ना? सो दैट्स दी फर्स्ट थिंग, कि आपके जो डिसेबलिंग ऑफ इंटरप्ट है ये मल्टीप्रोसेसर, yes, it is suitable only for uniprocessor system. It cannot be used for multiprocessor system. So, इसका मतलब uniprocessor system के ऊपर हमेशा ये बहुत अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं देगा। नहीं, uniprocessor system के लिए भी ऐसा नहीं है। Interrupts are very sensitive. तो बात समझना, अगर आप सारे के सारे interrupts को disable कर देते हो और कोई higher priority process आ जाती है, तो उस process का execution will get delayed and sometimes it may have a negative impact on the system. Sometimes it may have the negative impact on the system. So I hope you understand. तो सर क्या इंटरप्ट डिसेबल हो सकते हैं? Obviously डिसेबल हो सकते हैं, obviously डिसेबल हो सकते हैं। अगर आप कभी भी बोल रहे हो ना, अगर आप कभी भी बोल रहे हो कि एटॉमिसिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कर्नल, एटॉमिसिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड, इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आकर के उसको इंटरप्ट कर ही नहीं पा रही है।
यही चीज तो हो रही है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत और सेंसिटिव सिग्नल्स भी हो सकते हैं जिनके डिसेबल हो जाने से आपका सारा सका सारा काम खराब हो जाता है। दूसरा, आप बोलोगे सर लेकिन आप करते तो हो ही ना। हाँ, हम इंटरप्ट को डिसेबल करते ही करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बात समझना, ये वो जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में जो इंटरप्ट्स हैं उनको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिसेबल किया जाता है, अब एक प्रोसेस का जो अपना क्रिटिकल सेक्शन है, वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लेती है ये हमको पता ही नहीं है। अगर ये क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, अगर इस क्रिटिकल सेक्शन के पीस को कोड को एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, तो उतने टाइम के लिए आपके इंटरप्ट्स डिसेबल रहेंगे एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर दी सिस्टम। हाँ, तो इसके अपने कंसर्न हैं, इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते, अदरवाइज दिस कैन बी डन, आई मीन दिस विल बिकम वेरी simple solution, this will become very simple solution for achieving the mutual exclusion on the uniprocessor system. Now, apart from that, क्या ये मैं software mode में कर सकता हूँ? Obviously नहीं कर सकता. Enabling and disabling of interrupts are in the hand of kernel. Therefore, ये जो होगा, ये solution किस mode में run करेगा? This is a kernel mode solution. Okay. So, let's move on. So, what is the solution? The simple solution is that before you enter into your critical section, you will do one simple thing, that on the entry section, you will say disable all interrupts, and on the exit section, you will say enable all interrupts. This is your entry. So, very simple solution. Enabling and disabling of the interrupt
आपकी प्रोसेस रन कर दो जैसे मान के चलो कि रात में ले या 11-12 बजे तक अपने सब बैठ लेंगे ना, ज्यादा बात नहीं करूंगा। तब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो क्या पर यही है कि तने मन इस वजह बर्बाद करे रास्पोन पर वाला जो है ना, बाकी उनका बेटा होगा तो लगे करेगा। कैन बी गारंटीड बट ये दोनों भाग ये मालदवा है वो प्रोग्रेस ऑब्वियसली क्या कोई ऐसी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहती वो क्रिटिकल सेक्शन के बिना डिसेबल इंटरप्ट को डिसेबल करेगी? नो गारंटी। मैं तो टाइम है ना मिला हुआ। देखो अगर एक प्रोसेस एक पर्सनल आदमी चाहे अपना इंटरप्ट और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत सारी और प्रोसेस है जो जो आगे अब लास्ट में सब तो सारा खत्म कर के निकल गया है। अब लाइक कितना ही ले ले इतना बाजार से आगे नहीं जा सकते। अब जब जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते टाइम इनेबल कर देगी तो बहुत सारी प्रोसेसेस जो डिसेबल करने की कोशिश कर रही थी उनमें से सबसे पहले किस प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग इनेबल वो उनमें से सबसे पहले कौन सी प्रोसेस वापस से इंटरप्ट्स को डिसेबल करके अंदर जा पाएगी ये ऑर्डर फिक्स नहीं है क्योंकि क्यू मेंटेन नहीं हो रही है किसी टाइप की। तो इसलिए बाउंडेड वेटिंग इज अगेन नॉट गारंटीड। सो गाइज रिमेंबर ये जो लास्ट के तीन सॉल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कौन कौन से टेस्ट एंड सेट लॉक स्वैप इंस्ट्रक्शन एंड ये तीनों हार्डवेयर सॉल्यूशन है तीनों ही कर्नल मोड में रन करते हैं ठीक है और इनके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है ठीक है। सो हमने क्या देखा था वापस से आते हैं हमारे और इस बार मतलब कि अच्छा ये कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मतलब कि जैसे पहली बार तो उतना वो लोग को पता ना चल रहा कि कितना आम निकल रहे सब जानते हैं कि सब जानते हैं कि फटा गए आदमी को तो पूंजी तो बरकरार आज हो ही गए आखिर उधर बेचले हैं लोग फजली में और तो 12,000 रुपए दिख रहे हैं इनका नकदी बेच कर रहा हूँ शायद अब मालदवा हुआ गया ना है जो बाजार में यहाँ पर हमने जो डिफरेंट सॉल्यूशंस देखे उनकी मैं बात करूँ तो बोला शायद 40 इंक्रीज है ना इस टाइम तो हम ये देखो बोला शायद वो सारे सारे बिजी वेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं 40 उस टाइम हमारे बाजार ज्यादा है ना। Yes, they eventually disable the interrupt, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो दूसरा हमने देखा डेकर्स सॉल्यूशन दैट इज स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन 10-12 जब निकले तीसरा था हमारा पीटरसन सॉल्यूशन mm-hmm.
और ये तीन पैसा चीज वहां तय समझ कर नहीं लेना सकते। भाई। समझ और हम दे रहे देना, सॉल्यूशन। हमने दे देना। हाँ तो समझा कि इस बार पहले पूंजी निकलवाओ एट अपन। यूजर लेवल और व्हाट इज द मोड हाँ सुकुलवा का पैसा तो उधर यूजर, लास्ट में दस हुआ। ये जो इस मोड में एग्जीक्यूट होते हैं, एक इस मोड में एग्जीक्यूट होते हैं। हाँ तो समझा कि हाँ लगा कि 4-5 हज़ार के बच्चे निकल गए। इसके अलावा जो और सॉल्यूशन हमने देखे यूजिंग दी तो मेन यहाँ पर बचे का कारण यूजिंग नहीं हुआ कि सारा हम यहाँ पे भी दिख जाए। हाँ अधिकांश दो सौ दूसरों के पास सर कम से कम 3-4 मंथ सुकून ना बिगड़े वहाँ 20 रुपये का वाला साल नहीं तो ले ले रहे काट काट दिए दूसरों के पास सर वाले चार में कंट्रोल आप सब क्या बोल। ये तीनों ही कैसे हैं ये है कि बगीचा में बेच सॉल्यूशन रहे थे मतलब कि पैसा मतलब ज्यादा ही ना और आना लग रहे ना टेंशन हो करना। रहे ले जा रहे ना कमीशन लग रहे। तीनों ही टाइप के सॉल्यूशन के लिए प्रिविलेज की जरूरत है, तीनों ही टाइप के सॉल्यूशन के लिए तीनों कर्नल की जरूरत है ना। नाउ विल सी द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म बहुत में व्हिच कितना ट्राइज कर टू दूंगा अचीव 5,000 द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। आप गरीब वाला पहले वाला 20,000 20 बार कितना दे दूंगा इसे 20 बार कितना दे दूंगा 20,000 काम करेगा टोटल। या 30,000 पहले डबल है 22,000 रुपया अभी अभी दे दूंगा विदाउट विजिबिलिटी। तो आप में से किसी ने मुझसे ये कहा था वो कि छोड़ा सर जब इस बार आप कितना दे लो क्रिटिकल सेक्शन पावर में जा है ही नहीं पा रहे हो, जब आप क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पा रहे 32,000 तो एक ही बार आप दे दूंगा अननेसेसरीली वेट क्यों कर रहे हो। आप 32,000 एक ही बार करके दे दूंगा दो बार करके है ना वन ऑफ यू आज अच्छा एक बार 20,000 दे जाना ना। सर अगर हमको पता है कि ये कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है जिसके थ्रू मैं क्रिटिकल सेक्शन में जा पाऊं तो मैं बार बार उस सेम कंडीशन इस बार इन साल के बारे में उस प्रोसेस को बार बार सीक्वेंस यूज करके उस कंडीशन को चेक क्यों करने दे रहा हूं। ऐसा क्यों नहीं करता कि उस प्रोसेस को ब्लॉक कर दूं है ना, इसका मतलब उस प्रोसेस को उससे उस प्रोसेस से सीक्वेंस छीन लूं। ठीक है सो इसके लिए हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। इस बार 17,000 दे दूंगा एंड बैकअप जो दूसरा सॉल्यूशन हम So this operating system level solution. So this solution is, I mean, the support for this particular thing is provided by operating system. So we'll see them one by one. So first of all, let's discuss sleep and wake up. तो इसके अंदर ज्यादा चले गए नहीं, इसका सीधा सा कांसेप्ट ये समझना है दैट व्हाट डू आई मीन बाय स्लीप एंड वेक अप। देखिए जैसा सिचुएशन है मतलब इसको करा रहे थे तब अपने का किस तरह से काम कर सकते हैं और क्यों हम इनका यूज नहीं करते, क्यों हम इनका यूज नहीं करते टू अचीव द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओ वाला छोटा जो फर्क हो रहा है डोंट यूज दिस। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ स्लीप एंड वेक अप। कौन तो क्या कहानी है भैया ऐसा करते हैं हमने जो प्रोड्यूसर फोकस करी है रेले जैसे बोलवा पाए वो मैं तो कर ले तो मैं क्या चाह रहा हूं बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अवॉइड द बिजी वे। सो यू कैन राइट स्लीप एंड वेक अप टोटल में हम कई जगह पर देते एक बार में। अच्छा ये नाम फरीद का तो हूं अच्छा इस पर लोग दीजिए कि सब आंख लगते हैं मान के चल रहा हूँ घाटा 2 साल में ना जाए सर
स्लीप एंड वेकअप तो आप जो सॉल्यूशन देने की ये बोल रहे हैं गुरुजी को मिलेगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो आप ऐसे क्यों लिख रहे हो स्लीप एंड वेकअप फॉर अवॉइडिंग द बिजी वेटिंग। सो भाई सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मैंने ये सारे सॉल्यूशंस देखे थे ये धूपा लगती था जरूर, मतलब कि गर्म से मतलब कि मोटर उधर देते हमने बोला ठीक है। तो इसी को हटाने के लिए जो है वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा था, सॉल्यूशन तो इसमें भी अच्छे थे, पीटरसन सॉल्यूशन था जिसको जनरलाइज भी कर सकता हूं, ये स्वैपिंग का जो कांसेप्ट है ये स्वैप वाला सीपीयू पूरा फोकस ना तो प्रोवाइड कर ही रहा था। अब देखो ऐसा मत सोचो इसमें स्वैपिंग का कांसेप्ट है, इसके अंदर हमने दो चीजें देखी, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड था क्या, हां सर था, क्या प्रोग्रेस गारंटीड थी क्या, हां सर थी, तो क्या सर बाउंडेड वेटिंग गारंटीड थी क्या, नहीं यार बाउंडेड वेटिंग गारंटीड हां चार बच रहे हो क्या, गलत है नहीं, ये वाला जो स्वैप वाला या फिर ये जो स्वैप वाला जो सॉल्यूशन है, दिस स्वैप सॉल्यूशन कैन आल्सो बी, सुना ये जो स्वैप वाला सॉल्यूशन है दिस स्वैप सॉल्यूशन कैन आल्सो बी जनरलाइज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन व्हिच दी बाउंडेड 40 50 नाम में नो पता है, जस्ट हैव टू मेंटेन अ क्यू, यू विल जस्ट हैव टू मेंटेन अ क्यू। हम वहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज बियॉन्ड आवर डिस्कशन स्कोप, बट अगर मैं स्वैप कॉल की बात करूं तो यहां पर दो चीजें तो थी ही, क्या क्या, आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन था, आपकी प्रोग्रेस थी, बाउंडेड वेटिंग नहीं थी। जिस फॉर्मेट में हमने इसको पढ़ा है उस फॉर्मेट में बाउंडेड वेटिंग नहीं थी, जिस फॉर्मेट में हमने इसको पढ़ा है उस फॉर्मेट में बाउंडेड वेटिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैं बाउंडेड वेटिंग यहाँ पर मैं बाउंडेड वेटिंग को इंश्योर कर सकता हूँ बाय इंट्रोड्यूसिंग सम एक्स्ट्रा थिंग्स इन विच यूजिंग विच we can maintain the queue at the waiting CPU utilization की अगर आप बात करोगे अभी डिविलियर्स से उससे different thing, अगर बोले कि CPU क्या आइडल है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब मैं ये इनमें से कोई solution use कर रहा हूँ क्या CPU आइडल है, नहीं CPU आइडल नहीं है, CPU आइडल तो नहीं है, CPU execute तो कर रहा है लेकिन अननेसेसरी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू एग्जीक्यूट तो कर रहा है लेकिन अननेसेसरी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई भी फ्रूटफुल टास्क या फिर कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। सर पीटरसन ने किसी ने यूजर वर्क नहीं किया और एक्सटेंड किया गया है, अगेन पीटरसन सॉल्यूशन की जब हमने बात की थी, पीटरसन सॉल्यूशन इज ऑल्सो जनरलाइज, पीटरसन सॉल्यूशन इज ऑल्सो जनरलाइज फॉर एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो जो पीटरसन सॉल्यूशन था इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, इसके अंदर बाउंडेड वेटिंग नहीं थी, इसके अंदर बाउंडेड वेटिंग नहीं थी, बाकी दोनों चीजें थी। तो बाउंडेड वेटिंग को चलाने के लिए लेकिन मॉडिफिकेशंस किए गए, तो इसका जो नया वर्जन है जो क्यू को मेंटेन करता है उसका यूज करके आप बाउंडेड वेटिंग को भी इंश्योर कर सकते हो। जो पीटरसन सॉल्यूशन था ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई करता था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस, बट इसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये सिर्फ दो प्रोसेसेस के लिए था, इसके ऊपर भी वर्क हुआ है, इसको भी जनरलाइज करने की कोशिश की गई है फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, वेस्टिंग अनयूजुअल क्लॉक पल्स सारी सेट कर सारी व्हाट एवर यू वांट टू से, इट्स अ सेम थिंग। आपको मतलब समझ में आया ना कि फर्जी का काम कर रहा था, एक लूप को बार-बार एग्जीक्यूट कर रहा था, प्रोडक्टिव काम नहीं था, प्रोडक्टिव काम नहीं था, इसलिए ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो मेन टास्क था वो ये कि यार ये जो बिजी वेटिंग में सीपीयू का टाइम वेस्ट हो रहा था, क्या इसको थोड़ा सा वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, तो हमने बोला देखा, दोनों ने बोला जैसा एक बार है ने 1600 के ये एक्टिव को के नहीं पड़ेंगे 2000 का रखा, वो हमारे समझा कि 14 रिसर्च करोगे तब पढ़ना, अगर आपको इसी फील्ड में करना हो तो गेट में उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं आएगी, फालतू समय खराब करने का मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने 4000 तो मैंने ये जो आपको सॉल्यूशन बताए हैं ये वाले सॉल्यूशन भी मैंने आज की क्लास जो लगा दी, इस क्लास के अंदर कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, मैं एक मिनट में आपको सब चीजें बता सकता था, लेकिन जनरली हम वो चीज डिस्कस कर रहे थे और वो सिंपल सॉल्यूशन थे इसलिए डिस्कस कर लिए, अदरवाइज चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। तो मैं यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर यूज कर सकते हैं लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज करने का मतलब तब है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज करने का मतलब जब सबसे पहले तो ये यूजफुल हो, तो वेटिंग हटाने की कोशिश करता हूँ तो बिजी वेटिंग को हटाते हटाते कुछ नई प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। ये है कि जैसे गौरूजन अपने काम वाला फोन कर दिया फिर जाकर भारत हुआ कि वो आप भरेसा ले दो नहीं तो देर में ले जाता
हम हमारी ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को लेते हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर कॉम्बल में जहां भी बिजी वेटिंग हो रही थी उस बिजी वेटिंग की जगह पर स्लीप एंड बैकअप का यूज करने की कोशिश करूं तो मेरे कोड कैसे दिखेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करूं। तो मैं जो जनरलाइज किया था, मैंने जो इनिशियली इनिशियलाइजेशन किया था उसको नहीं लेके चल रहा हूँ। चाहिए तो आप ले भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोड पता है। सो लेट मी सिंपली राइट द कोड फॉर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कोई गाइस 7000 से ज्यादा है, ये बात कौन बोलता है, ये बात कौन बोलता है? सबसे पहले ये क्या करता था, ये बंदा सबसे पहले इनिशियलाइज करेगा कि भाई मैं सबसे पहले एक वेरिएबल यूज करूंगा इन टू जेड। हम ही ना चला है, हम वो सरदार जी जगह का हूं, मतलब कि सियानिया दो बाबा और उसका बाबू जी जो सेवा भी ले जा रहा हूं बाबू जी ना। रिपोर्ट था हमारा आइटम जो ये प्रोड्यूस करते हैं। इतना करने के बाद ये जो भाई साहब है ये चले जाते हैं इंफिनिट लूप में। सरदार जी का भी नाम पापा से है, क्या आइटम प्रोड्यूस कर रहे थे भैया आप? बोला देखते हैं भाई क्या कर पा रहे थे। तो उसने बोला कि सबसे पहले तो मैं बोलता था प्रोड्यूस आइटम आइटम का, कोई भी फंक्शन होगा कहीं और डिफाइंड है, इससे आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या चीज है। तो एक आइटम रिटर्न करता है आइटम पी, इस आइटम पी को आप कहां रखना चाहते हो, बफर में रखना चाहते हो। तो अब याद करो इसके बाद सबसे पहली चीज क्या थी, सबसे पहले मैं देखता था कि बफर फुल है या नहीं। अगर बफर फुल है तो मैं क्या करता था, व्हाइल काउंट इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू n, व्हाइल काउंट इक्वल्स टू इक्वल्स टू n में यहीं पर स्लीपर प्रॉब्लम और स्लीपिंग वाला प्रॉब्लम। उत्काश स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, उसमें नहीं आना चाहिए, नहीं जो बिठा करके चेयर पे बिठा करके आपके बाल काटेगा मस्त मसाज देगा है ना, नीचे तो पारल है यार वाला। स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम इज कम ना बम्बर वन ना बम्बर वन, दैट इज अ प्रॉब्लम स्लीपिंग बार बार प्रॉब्लम जस्ट लाइक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सिमिलरली डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, दिस टाइप की एक प्रॉब्लम है आपकी स्लीपिंग बाबा प्रॉब्लम। दिस इज द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट अ परफेक्ट सॉल्यूशन, दैट्स अ डिफरेंट। सो प्रोड्यूस आइटम तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे व्हाइल काउंट इक्वल्स टू इक्वल्स टू एंड कीप चेकिंग द कंडीशन ऑफ काउंट, कीप चेकिंग द वैल्यू ऑफ काउंट, इसका मतलब जब तक काउंट फुल हो आप वहीं रहते। अब आप क्या करोगे, अब आपको स्लीप करना है तो देखो सिर्फ एक बार चेक करो, सिर्फ एक बार चेक करो और एक बार चेक करने के बाद अगर काउंट की वैल्यू n है तो आपको सो जाना है। सो यू वोंट यूज द कंडीशन व्हाइल, यू विल यूज इफ। वो हला है चाहे तो आरिया दिन इतना नीचे नीचे लगता है सर। और मैं अब बोलोगे सर काउंट कहां डिफाइंड है, n कहां डिफाइंड है, तो भाई परेशान मत करो मैं ऑलरेडी लिख देता हूं यार। हां ये है कि मतलब कि दे हवा ये ग्रल का नाम यहां है बाहर दे अच्छा करने लगे हो बोले दे दे के अपना अपना खुश हो ले वो सब काम हो जाए। तो अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू है तो आपको क्या करना है, सिंपली स्लीप। इफ की अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो आप जा करके चुपचाप से सो जाओगे, पैसा उसमें आप क्या करोगे बफर में डालोगे पोजीशन इन पे आपका आइटम भी जो आपने प्रोड्यूस किया है, उसके बाद आप इनकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दोगे।
ताकि नेक्स्ट आइटम तब देखो एक आदमी। अच्छा यही पहले बताओ, खजलीवा हो गया तो आम मादा ले अभी मैं नॉर्मल काउंट मेरा सीरियस शॉर्ट वेरिएबल था, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता हूं अभी। जीवन में ज्यादा समस्याएं नहीं बढ़ाते हैं अभी सर, इस पे भी आएंगे अगर सॉल्यूशन तो हम सिंक्रोनाइजेशन वो मरियाना वाला मत रखो, मरियाना वाला यहां मत रखो। लेकिन मैं चाहता क्या था कि बिजी वेटिंग हटे, तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो बिजी वेटिंग हटाने का है। यहां पर फाइल लूप में ना फंस करके मैं स्लीप और बैकअप का यूज करना चाहता था। तो पहले से उतना समझ लेता हूं कि वो स्लीप और बैकअप के साथ जो सिचुएशन थी, मैं उस प्रॉब्लम को जो बिजी वेटिंग के साथ जो प्रॉब्लम थी अगर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। मालिक मत छोड़िए, आपको जो चीज समझनी है सुनना, क्या ये बेहतर है? वो चीज छैया है ना, क्लियर है सबको इतना कि भाई ऐसा कुछ होगा? क्या इतना सबको क्लियर है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है द प्लेस ऑफ व्हाइल लूप? सिमिलरली अगर मैं कंज्यूमर के लिए कोड लिखूं तो वो क्या होगा? व्हाइल बफर खाली है, और अगर बफर खाली है बस यही सुनना चाहते हो? और अच्छा है, दूसरा के मेंटेनेंस कर रहे तो और अच्छा है। नहीं है मतलब इतना पढ़ के क्या ही करोगे प्लेसमेंट के लिए, और क्या का ही तो गेम में ना सोचा नहीं भी करना होगा तुमको, है ना। सो काउंट इक्वल्स टू 0 स्लीप, आप जाकर के सो जाओ, अदरवाइज आप क्या करोगे? अदरवाइज आप आइटम को कंज्यूम करो, तो आप क्या देख रहा हूं ना पहले इस वेरिएबल में जो भी बफर पे आउट लोकेशन टोलेंके की ना उसको डाल दोगे, देन आप वही देखो ना आइटम सी में आ गया तो अब आउट की वैल्यू को कितना है एंड देन और यहां पर ये यहां पर सब कोकरा बना कुछ तो करना ही चाहते होंगे ना आप इस आइटम को कंज्यूम किया उसके साथ। अभी ना निकलता है मतलब ठीक होगा, तो टेंशन ज्यादा रहता है और इधर आम वाला अभी बेच लगा है तो खस्सी से आ रहा है घर बाकी पर। सो क्या यहां तक ही एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम पहले साइड चल रहे हैं? क्या अभी तक ही एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? हां ना, वो सब में झाड़ी में कोशिश कर लिया कि छोटा-छोटा हवा इधर निकाल कर अपना बेच दिया। दिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीमापुर से भी पॉसिबल है, आपको बात रास्ते पर बता। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिंक्रोनाइजेशन में, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, एक्चुअल में जो चीज़ सच में यूज होती है, जो चीज़ सच में यूज होती है टू अचीव दी सिंक्रोनाइजेशन, वो तो अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं। लेकिन भाई एक बात सुनो, अगर कोई आदमी सो रहा है
अगर कोई आदमी सो रहा है तो उसको जगाने वाला जाने। भी तो होना चाहिए। अगर जगाओगे ही नहीं और हमारे टाइप के कुंभकर्ण रहे तो फिर तो हो गया उद्धार। इसका मतलब स्लीपर आपका जो प्रोड्यूसर था वो जाकर के सो गया, एक बार आइटम प्रोड्यूस करके मस्त सो गया और उसके बाद वो सोया हुआ। जहां जहां जब जाओ जब जहां वो जा सो रहा पीछे था उस पॉइंट ऑफ पीछे टाइम पर कंज्यूमर आया, उसने मस्त सारे आइटम कंज्यूम किए और वो भी सो गया। नया आइटम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, नए आइटम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे क्योंकि प्रोड्यूसर भैया तो मस्त सो रहे हैं। उसके बाद क्योंकि प्रोड्यूसर भैया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो कंज्यूमर है कि भैया भी सबको बोल रहे हैं कि सांस सोते उठने हैं, का आराम से थोड़ा जीवन में रखा सा ही क्या है। तो दी आइडिया इज अगर कोई सो रहा है तो उसको उठाने वाला चाहिए। नाउ अगर प्रोड्यूसर सो रहा है, समझना, अगर प्रोड्यूसर सो रहा है तो बात खत्म है। लेकिन आप देखो अगर प्रोड्यूसर अपना आइटम प्रोड्यूस करता है, कहलाऊ ना कि देखिए अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर अपना आइटम बारिश प्रोड्यूस है करता अभी है है। यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है दैट दिस इज द फर्स्ट आइटम विच इज बीइंग प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। और या तो फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये एक ही आइटम है जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है। अगर ये एक ही आइटम है जो अभी अभी प्रोड्यूस हुआ है तो हो सकता है तुमसे पहले कंज्यूमर चला ना हो, बोल दे के हो हाँ सकता मतलब है तुमसे पहले कंज्यूमर का कोड इसीलिए चला हम हो। बोल और दिया अगर ना अभी काउंट की आइटम वैल्यू मतलब वन है ये तो नाम इससे पहले बर्बाद काउंट की कर वैल्यू जीरो दिया रही होगी, तो अगर इससे पहले कंज्यूमर चला होगा तो कंज्यूमर सोने चला गया होगा, मस्त सो रहा होगा। मेरे तो भी टाइम जिस पे दिन बता दीजिएगा तुम्हारा तो भाई बता दो मुझे प्रोड्यूसर कि आएगा हाँ वो मुझे चेक सुनने करेगा से चाहिए कि आपको यार क्या अकाउंट आपके काउंट दे की देंगे दे वैल्यू उसके बाद वन के बाद है। तेरा जाएगा अगर बाकी में काउंट की तो बोल वैल्यू दीजिए। वन है तो उसको लगेगा ओहो, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका मतलब इससे पहले काउंट की वैल्यू जीरो थी, हाँ इस वहां पर इंक्रीमेंट से साकार पहले ही काउंट माना की वैल्यू जरूरी जीरो थी। थी। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए आया हो लेकिन क्योंकि उसको काउंट की वैल्यू जीरो मिली होगी वो सोने चला गया होगा। तो हम क्या करेंगे, इफ हाँ काउंट इक्वल्स टू वन देन सिंपली परफॉर्म वन बैकअप ऑपरेशन वैकअप। देखो आपका जो वेकअप कॉल है वो किसको जाएगा, सो दैट्स द आइडिया। स्लीप कौन करेगा, स्लीप वो खुद प्रोसेस अपने आप से करेगी चलो सोने चले। स्लीप के अंदर क्या है, प्रोसेस अपने आप से करेगी चलो सोते हैं। तो खुद इंसान को सोने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो कभी भी सो सकता है ना। तो उसने जैसे ही बोला स्लीप, अपना स्लीप नींद आ रही है वो सो जाएगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो वैकअप तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई बहुत सारे लोग सो रहे हैं जीवन में, बहुत सारे लोग हैं जो सो रहे हैं, लेकिन तू किसको उठाए। अरे आपने बोल तो दिया उठाओ, किसको उठाओ, पता चला आप गलत आदमी को उठा दिया, उसने खींच के एक थप्पड़ मारा सुबह सुबह। नहीं, तो आपको किसको उठाना है, दैट पैरामीटर नीड्स टू बी पास। तो अगर प्रोड्यूसर किसी को उठा रहा है तो प्रोड्यूसर किसको उठा रहा होगा, प्रोड्यूसर उठाएगा कंज्यूमर को, कह रहे भैया कंज्यूमर भैया अगर तुम इस काउंट की वैल्यू को जीरो देख करके सो रहे हो तो प्लीज जाग जाओ, मैंने अभी अभी एक आइटम प्रोड्यूस किया है वो जो लेडीज तुम कौन कंज्यूम है कर सकते हो। जो बोल तो कर ये रहा जो था बैकअप समय कॉल ले है ये रही जाएगा कंज्यूमर को। ये सो पैरामीटर लेडीज नीड्स टू बी और क्या पास्ड, कर रहा हूँ अ पैरामीटर या जा गया नीड्स टू बी या जा पास्ड इन द गया बैकअप आपके कॉल एंड दैट विल लिए बी द प्रोसेस व्हिच नीड्स जिसको जगाना है। वो जो पैरामीटर पास होगा बैकअप कॉल में वो क्या होगा, बारहेला जिसको बारहेला रह लेते आओ समझ गए। और जाके मतलब सो काम ये भर बैकअप कॉल देते होगा, काम निकल और अगर ये रहा नहीं हुआ तो इसके सीधे मैं सीधे सीधे बिना उठाए बाहर आ जाऊंगा और फिर से अगला आइटम प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा। आई थिंक रॉन्ग विद दैट। सिमिलरली कंज्यूमर क्या करेगा, अब कंज्यूमर जाके क्योंकि कंज्यूम कमाओ कर पाया है तो अगर ये काउंट की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहा है, अगर ये काउंट की वैल्यू अब को जाके डिक्रीमेंट कर कमाओ रहा है ना कि हाँ और देख उसको के रख डिक्रीमेंट लिया करने के बाद वहां इसको का पता चलता है, इसे इसको तो ठान डिक्रीमेंट पड़ता करने ठान के पड़ बाद रही है। इसको पता चलता है कि काउंट की वैल्यू क्या है। If count equals to n minus one, if count equals to n minus one, इसका मतलब इससे जस्ट पहले काउंट की वैल्यू n थी। इसका मतलब इससे बप्पा जस्ट पहले काउंट की वैल्यू n थी और अगर काउंट की वैल्यू n है तो उस n को देख करके हो कोई सकता है आपका प्रोड्यूसर सोने चला गया हो। तो बोलेगा भैया ठीक है मैंने घर अगर में आपके नया लिए थोड़ी पत्ता सी दे जगह देगा कर दी है, आप जो भाई नया आइटम लाए हो वहां आकर के रख आदमी सकते है हो, तो अगर तुम सो रहे हो तो जाग अच्छे जाओ से और मुझे अपना उठा आइटम ला के करके रख। रख दो। तो अब ये भी क्या करेगा, एक वेकअप कॉल देगा किसको, दे ये देगा प्रोड्यूसर को, भाई तुम जागो। क्लियर, सो नाउ दिस कोड इज फाइन, नाउ वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस एक्सेसिंग ऑफ द शेयर 500 वैल्यू रुपया एक्स्ट्रा एट दिस देना। पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाय सर, एक्चुअल मोटिव तो वही था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करें,
एक्चुअल मोटिव तो वही था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करें, इसका मतलब जब भी किसी वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो हम एक्चुअल में मोटिव ये था कि बिजी वेटिंग ना करें, एक्चुअल में मोटिव ये था कि बिजी वेटिंग ना करें, ठीक है। अगर जा सकते हो तो ठीक, और अगर नहीं जा सकते हो तो चुपचाप से सो जाओ, यही मोटिव था। इसको कैसे एक्सेस करोगे लेकिन अगर रोज आने खाई करने को तो बिजी वेटिंग मत करने दो सिस्टम को, तो वो मोटिव था। हमने वही किया, जहां पर हमारी बिजी वेटिंग चल रही थी इन दोनों जगह पे, हमने वहां से बिजी वेटिंग को हटा करके और कुछ ब्लॉकिंग यूज किए जिसको हम बोलते हैं स्लीप या वेकअप। तो जब भी स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा, सो इट्स अ सिस्टम कॉल, स्लीप एंड वेकअप आर व्हाट, सिस्टम कॉल। तो जब भी कोई प्रोसेस स्लीप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेगी, उस प्रोसेस को सीपीयू से प्रिम्प्ट कर दिया जाएगा और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वो कब तक ब्लॉक रहेगी, जब तक कि कोई उसको आकर के वेकअप नहीं दे देता, ठीक है। सो दिस इज दी पैसा कटवा दो, कैरेट ले लिया सब कैरेट कलेक्शन कर ले लो। पैसा पता न चल घर में पैसा मिले जैसे 300-400 रुपया तो सब आते हुए खाता हुए तो पता ना चले पैसा। यही है कि मतलब कि दुकान में सोच ले तो क्या पैसा 4,000-5,000-10,000 अब एक प्रोसेस टाइम में तो करना ही था, अगर जाते दिखता है तो कौन से प्रोसेस को जगाना है। व्हेन अ बैकअप प्रोसेस सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड छोड़ ज्यादा बर्बाद हो दैट प्रोसेस आदमी के हाथ में पैसा है अगर कोई तभी तो उसका अनब्लॉक करने का मतलब है। सो मेरा बैकअप प्रोसेस सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड दैट प्रोसेस इज ब्लॉक्ड इफ इट वाज ब्लॉक्ड अर्लियर। हाँ तो जब तक किस 40,000 का नाम पैसा नहीं करते ऐसे। So this is the simple concept. So what do I mean by block? I hope. इसका मतलब preempted from CPU.
हाँ नो व्हाट डज इट दिस व्हाट डज दिस अनब्लॉक्ड मींस ડિસેલ બધા તો બાકી દે દે આ મીન્સ અને ધન્યવાદ દે બધા તો પછા કે રાખવા લા કોઈ છે ઓલે પાસે ડઝ ઇટ મીન કે ઇસકો સીપીયુ દે દિયા જાયેગા અગર મે કિસી પ્રોસેસ કો અનબ્લોક કર રહા હું તો કે ઇસકા યે મતલબ હે કે ઉસકો સીપીયુ દે દિયા જાયેગા ક્લિયર ના કર લા મુજે 20000 કે 22000 30000 યસ કરેક્ટ 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 કિશન સો અગર ઇસકો અનબ્લોક કર રહા હું તો सबसे पहले ये समझो प्रियम्प्टेड फ्रॉम सीपीयू एंड प्लेस इन 25000 तक तू चाहो ता अगर बढ़ा रहे तो 25000 में निकाल ले बढ़ा रहे थे अब तो 25 में है ही अब तो आपकी जो ब्लॉक वाली क्यू है जो हमने देखी थी जो वेटिंग स्टेट में होती है वहां अगर इसको अनब्लॉक किया जाता है इसका मतलब कोशिश कर रहा कि एक आदमी तोरे वाला गाना इधर रख ले जाए तो सुन रहा के पूरे की कर रहा आपने कितना हम तो जब है ना बगीचा में तू कहे तो अब तू हुआ तौले में रहा हूं आप फिर टेंशन कराता कि हां बाचल का मसौली लाल लाल नहीं Obviously, कोई भी प्रोसेस अगर ब्लॉक क्यू से निकलती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है प्लेस जिन अच्छा ये बोल रहे हो कि हाँ जहानाबाद वाले के पास जाके सीधे सीधे सीपीयू पे चली गई है ऐसा मत मानना सीधे सीधे सीपीयू पे चली गई है ऐसा मत सोचना बफर हो रहा है हाँ अनब्लॉक मींस अगेन गो टू रेडी स्टेट जब आप ब्लॉक पहले से बात कर रहे हो तो खबरी आसरा लगने लगा आपको ब्लॉक किया गया था तब आप सीपीयू पर थी लेकिन अनब्लॉक होने के बाद आप रेडी स्टेट में जाओगे सीधे सीपीयू पर नहीं जाओगे क्लियर रेड वगैरह सेंस चली मत करना कि अगर किसी प्रोसेस को अनब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक का सीधा सीधा मतलब ये समझ मत लेना कि वो सीधे वापस से क्या चली गई सीपीयू पे चली गई लेकिन देखो जीवन में एक बहुत बड़ा सत्य है क्या सबको पता है आप सिर्फ उस आदमी को उठा सकते हो जो सो रहा हो आप किसको उठा सकते हो आप सिर्फ उस आदमी को हां तो बस वही बचा कर रख रहा यार कह रहे तू हमने के रही है इंसान सोने की टंकी कर रहा हो उस आदमी को नहीं उठा सकते हां है ना जो आदमी सो ही नहीं रहा उसको क्या उठाएंगे मतलब उसको उठाने का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है सो दिस द आईडिया एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस कोड नाउ टेल मी क्या आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है थोड़ा सा सोचो एनालाइज करने की कोशिश करो अगेन देखा दो साल के कमिट का टाइम दे रहा हूं वापस से जिसको पहले से आता है वो प्लीज रटे रटाए आंसर नहीं देगा जिसको पहले से यार रहे और टाइम पर आवे नहीं चले आंसर नहीं देगा अच्छा ये भंडार पहले से बातें कर रहे हैं कहां पर क्या होता है वो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें सत्ता हो गया जो अच्छा जो लेंडर रूपम कौन सी क्लास क्लास तो कब से चल रही है क्लास खत्म ही कब हुई थी पिछवाए ना तो कोई दिक्कत ना है भानु रूपा है भानु रूपा है वो ही दिक्कत कर रहा है सब छाता है कहते हैं रूपम व्हाट आर यू सेइंग यू आर सेइंग कि सब क्या क्लास रिज्यूम हो गई है मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही तुम हो अगर ज्वाइन नहीं हो पाती तो मैसेज कैसे भेजा होता अभी मैंने कोड एक्सप्लेन भाव रहा है भाव रहा है तो वही कोड एक्सप्लेन किया है आई मीन देख लिया मैं कर चुका हूं ऐसे के साथ वो एक्सप्लेन किया जब मैंने लिखा था तो लिखते टाइम अगर आप साथ थे तो मैं वहीं था मैं वहीं अब देखो अगर आप इस कोड का कैसे कर रहे हैं मतलब तो मैं जैसे कोई आप ना पाके जाए अब हम तोरे लगे हैं तो मैं कोई नहीं सकता है एक प्रोसेस ब्लॉक हो गई है और बैकअप का मतलब है कि उस प्रोसेस को ब्लॉक क्यू से हटा करके वापस से रेडी क्यू में डाल दिया गया पे कैसे गंदे गंदे मैसेज आते हैं अच्छा लबका में सब अमृत फर नहीं क्या लिखना चाह रही हो लबका आपका रूप
कुमारी क्या कहना चाहते हैं? बाकी स्टूडेंट्स को भी जो लैब पे हैं वो देखने में दिक्कत हो रही है क्या? ऐसा कुछ है क्या? सारे लोग सबसे पहले जो लाइव ऐप पर हैं वो सबसे पहले अपना रिस्पॉन्स देंगे कि बहुत पकड़ ले और उसके बाद है जो रुपम कुमारी कह रही है कि सर क्या क्लास रिज्यूम हो गई है, मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊंगी, तो मुझे पता नहीं है। तो दो चीजें चलती है ना, तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे देख करके पढ़ाने से ऐसा लगता है कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, और हो सकता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पानी कम पड़ ले, धान हो पहले तो सब घर पे पानी रहते हैं ना, इसलिए प्लीज लाइव ऐप वाले स्टूडेंट अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, और अगर मेरे एंड से कोई आई कोशिश करिए कि जब गए जाना जाए बना दो सब अगर मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है सब के नाय तो बस आओ मेरा हवा ना सब अगर बाकी सुन देख पा रहे हैं तो रुपम अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो क्या कहना चाह रही हो कि सर क्या क्लास रिज्यूम हो गई है, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही क्लास को अनझटके में कभी उतर जा नीचे कभी चढ़ जाए, मैंने रिस्टार्ट वाला कोई काम किया ही नहीं, और आज तो क्लास में कोई ब्रेक हुआ ही नहीं, क्लास तो जब से स्टार्ट हुई है तब से चली रही है, तो रिज्यूम होने से आपका क्या मतलब? देखा कल बोलवे करके आया था अगर यस नॉट आस्किंग यू, यू आर नॉट इन द लाइव अप, यू आर नॉट अ लाइव अप स्टूडेंट, तो मैं लाइव अप वाले स्टूडेंट हवा लगे मान ले तो आगे के लेवल लगे बात है, तो ओला मुंडे ओला खासी को पैसा मिल गए पूरा आई खासी के देना भाग पड़ा है। प्रणीता इज आल्सो सेइंग कि सर वीडियो नहीं आ रही है लाइव ऐप में, आई वाज अटेंडिंग थ्रू यूट्यूब तो पता नहीं चला, यार ये क्या ऐसा 17 मिनट में 22 तो वहां हजार आदमी आवन है हर किसी के ठीक है रखिए दावत असलम अगर मैं करूँ कोई तो ग्राहक कहाँ है भी तीन दिन टाइम 7 तारीख हम लोग घर पहुंची है जो रात क्या ही भी गए थे तो बाकी तो ना कहता वो घर नहीं गया है जुम्मा जुम्मा के दिन तो मैं कह रहा हूँ हाँ अभी बिजी है हम इसलिए फोन कर दे कि कल ही मतलब टाइम है फिर तो अगला दिन तो सुबह में मुझे हाँ ठीक है जाते हैं ऐसा कैसे है कि लाइव कैरेट खोज लगे ना हमने के जो पैसा लगल है कैरेटवा में तो उधारे कम से कम आके रखे थे ना वो क्या बोल रहे हैं बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या इशू दिखा रहे हैं लाइव स्ट्रीम डाउन गाइस सबसे पहले तो प्रणीता नहीं रूपम रुपम कुमारी अगर ऐसा कुछ होता है कि लाइव ऐप पे कुछ और दूसरी बात है कि करंट ले जा रहा है क्लास भाई है हो सके YouTube पर सर्च किया करो या तो फिर एटलीस्ट YouTube पर एक कमेंट किया करो चला सर लाइव ऐप पे क्लास नहीं चल रही है कितना सर्वर तुम चला से नहीं चल रही है हां कोई दिक्कत ना हो कैसे पता चलेगा कि कब से नहीं हां ठीक है रख जा खाना उधर खा What is my concern is कि अगर इतनी क्लास हो चुकी है समझना बात को अगर इतनी क्लास हो चुकी है और अगर ये कंटेंट वहाँ पर नहीं दिख रहा है और अगर ये चीज़ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई है then it will be a bigger problem क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश करोगे आपको वो चीज़ बीच में नहीं मिलेगी और फिर आप मुझसे बोलोगे कि सर नहीं चल रही है ना तो जस्ट सेंड अ मैसेज जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि अगर ये चीज़ वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुई तो बर्बाद हो जाएगा
नाउ इट्स वर्किंग। अगर आप ये मुझे पहले बता देते तो ये दिक्कत नहीं होती ना। नाउ इट्स वर्किंग ऑन लाइव ऐप, एटलीस्ट मुझे तो दिखाई दे रहा है। रूपम, आर यू एबल टू वॉच दी वीडियो नाउ? रूपम ने तो जब से बोला है कि सर क्या क्लास रिज्यूम हो गई, मैं ज्वाइन नहीं हो पा रही। शायद वो ज्वाइन ही नहीं हो पा रही, उसको पता ही नहीं है कि मैं उससे ही बात करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं उससे बात कर ही नहीं पा रहा हूँ। सर ये एप्लीकेशन वालों को बोलो ना कि थोड़ा ढंग का एप्लीकेशन डेवलप करें, मतलब सी एस वालों को भी ऐसी गंदी गंदी चीज़ों पर पढ़ा रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है थोड़ी सी। सबको दिक्कत हो रहा है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है ना, बच्चा अगर उस चीज़ को देखना है तो अपन यही बोल के तो बोलते हैं ना बच्चों को, अगर आप क्लास देख ली और बाद में अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये वाली चीज़ आप रिकॉर्डेड उसमें देख पाओगे। अब क्या गारंटी है कि ये वाली चीज़ रिकॉर्ड हुई होगी? यूट्यूब साथ में चल रहा है तो ठीक, नहीं समझे बात को? अगर यूट्यूब नहीं चल रहा है तो वो गया ना, यूट्यूब का अपलोड करा देंगे वो ठीक है। चलो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, जस्ट आर नाउ वर्किंग ऑन लाइव ऐप। चलो देख लेते हैं फटाफट, इशू था खत्म करते हैं। तो इस कोड को मैंने देखना था और मैंने आपसे ये बोला था कि क्या आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हाउ इज अ वेरिएबल यूज बाय कंज्यूमर टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर इट हैज टू कंज्यूम द आइटम। एबी डिविलियर्स मुझे बता रहे हो क्या कि किसी और को बता रहे हो? क्योंकि ये चीज वापस बफरिंग बोल रहे हैं। यशस्वी इज अगेन सेइंग बफरिंग। भाई यही करेंगे क्या हम सब? इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये डेफिनेशन पहले ही लिखवा चुके, दूसरी बार चल तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर का प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, सर क्या ये बहुत अच्छी चीज है? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं। आई मीन इट मे बी अ गुड थिंग इन दी पर्सपेक्टिव कि ये चीजों को सीपीयू को सीपीयू का टाइम वेस्ट नहीं कर रही इन बाय एग्जीक्यूटिंग अ यूजलेस कोड अगेन एंड अगेन। बट क्या ये सही है? इसका मतलब अगर मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं तो क्या कोई और नई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ रही है ना, यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम आ रही है। क्या मैंने आप लोगों से बोला था टेक टू और थ्री मिनट टाइम एंड टेल मी कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? तो आप में से कोई वो चीज एनालाइज कर पाया? देखो भाई, जीवन में अगर सिंक्रोनाइजेशन को समझना है तो आपको प्रियम्पशन का खेल खेलना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रियम्पशन की कहानी है जितनी भी कहानी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सुनना, लेट्स अज्यूम दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर काउंट की वैल्यू जीरो होती, लेट काउंट इक्वल्स टू जीरो एंड consumer execute आपका consumer execute करता है count equals to zero। now उसको ये condition क्या पता चली? कंज्यूमर को पता चला अरे ये कंडीशन ट्रू है ना। तो इस कंडीशन के ट्रू इवेल्युएट होने के बाद, इस कंडीशन के ट्रू इवेल्युएट होने के बाद आपका जो कंज्यूमर है वो नेक्स्ट काम क्या करता? आपका कंज्यूमर नेक्स्ट काम करता वो सो जाता एंड कंज्यूमर एग्जीक्यूट्स अकाउंट इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो एंड कंडीशन इवेल्युएट्स using game
जस्ट बिफोर कंज्यूमर एग्जीक्यूट इट्स स्लीप इंस्ट्रक्शन की वैल्यू जीरो थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूमर एग्जीक्यूट करता है अपना ये वाला फिफ्थ वाला इंस्ट्रक्शन और इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी जो कंडीशन है ये ट्रू इवैल्यूएट हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के ट्रू इवैल्यूएट होने के बाद इसको ये स्लीप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना था, लेकिन इससे पहले कि ये स्लीप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाता, इसका मतलब जब ये काउंट इक्वल्स टू जीरो का लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, लास्ट पार्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रीएम्पशन के लिए इंटरप्ट आ गया, तो जस्ट आफ्टर इवैल्यूएटिंग दी कंडीशन ये प्रीएम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब प्रीएम्प्ट हो जाएगा तो कौन से इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेकर के जाएगा, जो कंज्यूमर गया है वो स्लीप इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेकर के गया है ना। नाउ इसके बाद लेट्स अज्यूम कि प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, then producer काउंट की वैल्यू जीरो थी, काउंट की वैल्यू जीरो थी, तो प्रोड्यूसर एग्जीक्यूट्स इट्स कोड एंड पुट द फर्स्ट आइटम इनटू द बफर। तो ये जैसे ही पहला आइटम प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद ये इफ काउंट इक्वल्स टू वन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है, इसने काउंट की वैल्यू पहला आइटम प्रोड्यूस करके काउंट की वैल्यू को क्या होगा, 0 प्लस 1, काउंट की वैल्यू हो गई होगी 1, इसने बोला काउंट इक्वल्स टू 1, हां हां काउंट इक्वल्स टू 1, तो ये क्या करेगा, ये एक बैकअप सिग्नल और बैकअप कॉल जनरेट करेगा एंड एग्जीक्यूट दिस बिकॉज कंडीशन इज ट्रू, देयरफॉर प्रोड्यूसर execute backup consumer system call or execute backup consumer instruction to wake up consumer। अभी अभी क्या बोला था, जीवन में सिर्फ उस आदमी को उठाया जा सकता है जो सो रहा हो, तो ये बताओ क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब प्रोड्यूसर ये बैकअप कॉल एग्जीक्यूट कर रहा है क्या कंज्यूमर सो रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब प्रोड्यूसर ये बैकअप कॉल एग्जीक्यूट कर रहा है क्या कंज्यूमर सो रहा है, बताओ फटाफट। नहीं सर, वो सोने वाला था, कंज्यूमर सोने वाला था, ये इस कंडीशन को इवेल्युएट किया था, कंडीशन ट्रू इवेल्युएट हुई थी, ये सोने जाता उससे पहले वो प्रिएम्प्ट हो गया, इसका मतलब अभी वो सो नहीं रहा है, अभी वो सो नहीं रहा है।
तो वो जो बात बोली थी वही हो गई क्या, कि कंज्यूमर को उठाने की कोशिश की, बट कंज्यूमर इज नॉट स्लीपिंग, तो क्या होगा, देयरफॉर वेक अप कॉल वेस्टेड, नहीं गया, उसने किसी को नहीं लगाया, वो वेकअप कॉल इज वेस्टेड। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड, प्रोड्यूसर कीप एग्जीक्यूटिंग कोड रिपीटेडली, प्रोड्यूसर कीप एग्जीक्यूटिंग इट्स कोड रिपीटेडली एंड फाइनली काउंट वैल्यू बिकम्स तो क्या हो गया? उसके बाद अभी मतलब इसने उठाने की कोशिश की, वो उठा नहीं, वेस्ट हो गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रोड्यूसर मस्त चलता रहा, बोले कोई दिक्कत नहीं। बोले अब प्रोड्यूसर को क्या लग रहा है कि कंज्यूमर भी चल रहा होगा, मैंने बोल तो दिया है उससे कि जाग जाना अगर तुम सो रहे हो तो, लेकिन कंज्यूमर सो ही नहीं रहा था, तो इसने जो उठाने के लिए भेजा था आदमी वो बर्बाद हो गया, है ना। तो आफ्टरवर्ड क्या करता है आपका प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूट करता जाता है, करता जाता है, और उस एक एक आइटम प्रोड्यूस करता जाता है, ठीक है। ही इज एग्जीक्यूटिंग इट्स कोड रिपीटेडली एंड फाइनली द काउंट वैल्यू बिकम्स एंड। अगर ये नया नया आइटम प्रोड्यूस करता जाएगा तो आफ्टर आफ्टर अ व्हाइल द काउंट वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू एंड। देन producer goes to sleep, by executing its sleep instruction. तो क्योंकि ये condition true थी तो next instruction जो execute होगा वो sleep instruction execute होगा। जब तक काउंट की वैल्यू एन नहीं हुई होगी, जब तक काउंट की वैल्यू एन नहीं होगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो उसके बाद ये सीधे इस इंस्ट्रक्शन पे चला जाता होगा। लेकिन फाइनली जब काउंट की वैल्यू एन आएगी तो ये स्लीप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। फाइनली जब काउंट की वैल्यू एन आएगी ये स्लीप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और सोने चला जाएगा। तो हुआ क्या भाई, कहानी ये हुई कि आपका जो कंज्यूमर था वो सोने जाने से पहले प्रियम्प्ट हो गया है, वो अभी तक सोया नहीं है। कंज्यूम उसके बाद प्रोड्यूसर ने डेटा आइटम प्रोड्यूस किया, उसने जब पहला आइटम प्रोड्यूस डेटा आइटम प्रोड्यूस किया तो ये सोच के कि कहीं कंज्यूमर सो तो नहीं रहा है, उसको उठाने की कोशिश भी की, लेकिन जो कंज्यूमर था वो सो ही नहीं रहा था, इसलिए जो ये बैकअप कॉल था ये फालतू चला गया। उसके बाद आपका जो प्रोड्यूसर था वो अपना आइटम प्रोड्यूस करता रहा करता रहा करता रहा, उसको क्या पता कि बेचारा कंज्यूमर सो रहा है, उसको थोड़ी ना पता है कंज्यूमर सो रहा है, ठीक है। तो वो हर बार सुनो, वो हर बार कंज्यूमर को उठाने की कोशिश नहीं करता है, वो कंज्यूमर को सिर्फ तब उठाता है जब वो पहला आइटम प्रोड्यूस करता है ये सोच के कि कहीं कंज्यूमर सो तो नहीं रहा था, कि कहीं कंज्यूमर सो तो नहीं रहा था। तो उसने पहली बार उठाने की कोशिश की, उसको लगा कि उठ गया होगा, उसके बाद वो अपना काम करता रहा, लेकिन एक टाइम के बाद काउंट की वैल्यू एन हो गई। तो वो अब बोलेगा अच्छा काउंट की वैल्यू एन हो गई, तो बोलेगा चलो अपन चलते हैं सोने। ये क्या सोच के जा रहे हैं कि जब कंज्यूमर एक आध आइटम कंज्यूम कर लेगा तो मुझको जगा देगा,
जब कंज्यूमर एक आध आइटम कंज्यूम कर लेगा तो मुझको जगा देगा, लेकिन जब कंज्यूमर को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा तो कंज्यूमर क्या करेगा? इसके बाद जब कंज्यूमर को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा तब कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग व्हेन कंज्यूमर एग्जीक्यूट फॉर द नेक्स्ट टाइम ऑन द सीपीयू execute sleep instruction and what's happening दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं दोनों प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कौन? दोनों प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसका मतलब दोनों ही मस्त सो रहे हैं। अब उनको जीवन में किसी से कोई लेना देना नहीं है ना? ना तो अब कोई नया आइटम प्रोड्यूस हो सकता है आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि प्रोड्यूसर को सिर्फ एक ही आदमी उठा सकता था कौन? कंज्यूमर। प्रोड्यूसर को एक ही आदमी उठा सकता था कौन? कंज्यूमर। और वो खुद सोने चला गया है। ठीक है, कंज्यूमर अगर सो जाता तो उसको उठाने का काम करना था प्रोड्यूसर को, लेकिन प्रोड्यूसर को ये लगा कि ये कंज्यूमर सो रहा है तो उसने उसको उठाने की कोशिश की और उसको लगा कि उठ गया होगा, उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कंज्यूमर उसको बेवकूफ़ बना रहा था कि देखो मैं सो रहा हूँ, लेकिन उसको लगा आज इसके मजे लेता हूँ। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर बाद दोनों सो गए, है ना? तो भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आस्लिप। एट दिस पॉइंट बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रोसेसेस both producer and consumer processes basically sleeping means both producer and consumer processes are blocked and there is no one unblock that. It is a kind of deadlock. Like, I mean, not actually deadlock. हाँ, अब ये दोनों मुक्त हो गए हैं दुनिया की सारी समस्याओं से, ये दोनों मुक्त हो गए हैं। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव था प्रोड्यूस करवाना और कंज्यूम करवाना वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। दैट व्हाट्स द आइडिया दैट हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि सर कुछ ऐसा बताओ कि ये जो प्रोसेसेस, ये जो सॉल्यूशंस थे इनमें तो बिजी वेटिंग हो रही थी, इसका मतलब सीपीयू का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो क्या कुछ ऐसा नहीं है कि जब भी कोई प्रोसेस की जब भी कोई प्रोसेस ऐसी सिचुएशन में हो जब वो आगे नहीं बढ़ सकती तो रादर देन वेटिंग उस प्रोसेस को ब्लॉक करा दिया जाए, रादर देन कीप चेकिंग दी सेम थिंग उस प्रोसेस को ब्लॉक करा दिया जाए। हमने बोला देखते हैं, सोचते हैं ऐसे कॉल्स के बारे में। तो स्लीप एंड वेकअप कॉल्स कैन बी यूज फॉर दैट पर्पस कि जब प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती तो उसको ब्लॉक कर दो, और जब वो इस सिचुएशन में आ जाए कि वो वापस से आगे बढ़ सकती है तो उसको वापस से वेकअप कॉल दे करके और उसको रनेबल बना दो, उसका मतलब रेडी स्टेट में डाल दो। ठीक है, ऐसे कॉल के बारे में सोचते हैं। तो हमने बोला कि ये क्या है, जब भी स्लीप कॉल एग्जीक्यूट करेगा तो वो एक प्रोसेस को
ब्लॉक कर देगा, इसका मतलब उसको सीपीयू से प्रीएम्प्ट कर देगा और ब्लॉक क्यू में डाल देगा, ठीक है। और कब तक, और उसके बाद तब तक के लिए जब तक कि कोई दूसरी, जब तक कि कोई दूसरी प्रोसेस बैकअप कॉल एग्जीक्यूट करके और उसको जगह ना दे। सिमिलरली बैकअप कॉल का पर्पस क्या था कि इसके अंदर एक पैरामीटर होगा, वो प्रोसेस होगी जिसको आपको बैकअप कॉल सेंड करना है, इट वाज सिंपली बैकअप द प्रोसेस जो भी ब्लॉक स्टेट में थी। बट यहाँ पर रीजन ये है कि अगर आपकी कोई एक प्रोसेस किसी प्रोसेस के लिए बैकअप कॉल भेजती है, इसका मतलब उसको अनब्लॉक करने के लिए जाती है, तो उसको अनब्लॉक करने का सिग्निफिकेंस सिर्फ तब है जब वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में हो। अगर प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में नहीं है तो उसको अनब्लॉक नहीं किया जा सकता। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद दिस कोड कि जब काउंट की वैल्यू जीरो थी उस टाइम पे कंज्यूमर को सोना था, लेकिन जस्ट पहले वो, इससे पहले कि वो सोने जाती, वो जस्ट सोने जाने ही वाली थी और वो प्रियम्प्ट हो गई। उसके बाद प्रोड्यूसर का मौका मिला, प्रोड्यूसर ने जब पहला आइटम प्रोड्यूस किया तो उसको लगा कि हो सकता है कि कंज्यूमर सो रहा हो, तो उसने उसको जगाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर एक्चुअल में सो नहीं रहा था इसलिए उसका वो जो स्लीपिंग कॉल था, उसका जो वेकअप कॉल था वो वेस्ट हो गया और कंज्यूमर को पता भी नहीं चला। उसके बाद प्रोड्यूसर अपना डेटा आइटम प्रोड्यूस करता रहा, अल्टीमेटली कुछ पॉइंट ऑफ टाइम बाद बफर फुल हो गया। जब बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के जिम्मे सोच करके कि कंज्यूमर जब भी डेटा आइटम कंज्यूम कर लेगा तो मुझे जगा देगा, ये सोच करके प्रोड्यूसर सोने चला गया। जब इसने ये सोने चला गया तो ऑब्वियसली जब प्रोड्यूसर ने अपना सीपीयू छोड़ दिया होगा तो कुछ टाइम बाद आपका जो सीपीयू है वो कंज्यूमर को मिला होगा। नाउ बात समझना, ये सोने चला गया इसका मतलब इसने सीपीयू छोड़ दिया, और ये सीपीयू छोड़ के कहाँ चला गया, कहीं रेडी क्यू में गया सीपीयू छोड़ के? नहीं, क्योंकि इसने स्लीप कॉल एग्जीक्यूट कर लिया, इसलिए ब्लॉक हो गया। तो अब इसको तो वापस से कभी सीपीयू मिलेगा ही नहीं, इसको तो वापस से कभी सीपीयू मिलेगा ही नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि कोई इसको वेकअप नहीं देता, इसका मतलब जब तक कि इसको ब्लॉक क्यू से हटा करके कोई रेडी क्यू में नहीं डाल देता, ठीक है। इसको ब्लॉक क्यू से हटा करके रेडी क्यू में सिर्फ कौन डाल सकता था? कंज्यूमर डाल सकता था, लेकिन कंज्यूमर भी जैसे ही उसको सीपीयू मिला तो उसने भी क्या किया, सीधे स्लीप कॉल एग्जीक्यूट किया और ये भी जाकर के उसी ब्लॉक क्यू में सो गया जिसके अंदर प्रोड्यूसर सो रहा था। तो दोनों मस्त आराम से आसपास अपना पलंग लगा करके सो रहे हैं, अब किसी को जीवन में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, आपको ये समझ में आना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि स्लीप एंड बैकअप कॉल कैन बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द विजिबिलिटी। स्लीप एंड बैकअप कॉल्स कैन बी यूज, स्लीप एंड बैकअप कॉल्स कैन बी यूज फॉर अवॉइडिंग द विजिबिलिटी, बट दिस आर नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन बिकॉज दे मे रिजल्ट इन सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक डेडलॉक। दे मे रिजल्ट इन सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक डेडलॉक। ओहो अक्षत, क्या जीवन में सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही हैं जो सीपीयू यूज करना चाहते थे? दिस आर जस्ट टू प्रोसेसेस व्हिच आर कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस ऑफ आवर सिस्टम, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर प्रोसेसेस एज वेल, वो अपना काम करेगी ना भाई। अक्षत यू आर सेइंग कि सर अगर दोनों ही प्रोसेसर सो रही है तो क्या रेडी क्यू एम्प्टी हो जाएगी? अरे किसने, रेडी क्यू क्यों एम्प्टी हो जाएगी? सीपीयू पर ये दो प्रोसेसर थी जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेसर थी, अब ये इनको सीपीयू कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सिस्टम में और भी तो दुनिया की बहुत सारी प्रोसेसर हैं, वो सारी प्रोसेसर तो अभी भी उस सिस्टम पे काम कर ही सकती है भाई, उसको कौन मना कर रहा है? क्लियर है? सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम दी, व्हाट वुड आई से, दैट विल बी ऑल फ्रॉम दी स्लीप एंड बैकअप कॉल पॉइंट ऑफ व्यू। जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे दैट विल बी सीमाफोर। दोनों ही चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। रेडी क्यू में और मे नॉट बी एम्प्टी, करेक्ट आकाश, रेडी क्यू में और मे नॉट बी, उससे क्या लेना देना है? वो दो आर जस्ट टू प्रोसेसेस, उनके अलावा सिस्टम में और क्या है हमको कुछ नहीं पता, उनके अलावा सिस्टम में और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम रेडी क्यू के स्टेटस के बारे में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ब्लॉक्ड क्यू में एटलीस्ट दो प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सी, एक प्रोड्यूसर की एक कंज्यूमर की, उसके अलावा और भी प्रोसेस जो ब्लॉक क्यू में हो सकती हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको कुछ नहीं पता, तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे।
तो ये जो चीज़ है, ये हमारा कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है, विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम फ्रॉम टुमारो, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. सो इसको कल से शुरू करते हैं. आज कोई भी इसके बारे में छोटी सी भी बात नहीं करना, ताकि कल फ्रेश से स्टार्ट कर पाऊँ. आज के लिए इतना बहुत है. तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, बट डोंट वरी, जल्दबाजी के चक्कर में आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, बस मैं ये नहीं चाहता. अगर किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो है तो मैं थोड़ा सा उसको फास्ट कर दूंगा. अगर आप में से किसी को ये लगता है कि ये स्लो है तो मैं इसको कंपेरेटिवली थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ. बट जिनको, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन से हर किसी को डर लगता है, इसलिए मैं ये चाहता था कि ये थोड़ा सा स्लो चले. तो अगर ये स्पीड सही है तो मुझे एक बार बता दो, ताकि मैं वही स्पीड सिंगापुर के लिए और मेंटेन कर लूँ, वही स्पीड सिंगापुर के लिए और मेंटेन कर लूँ, उसके बाद तो हम भागेंगे ही भागेंगे, है ना. क्या बोल रहे हो? दिस डेडलॉक कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग बैकअप फॉर कंज्यूमर एवरी टाइम अ न्यू आइटम इज मेड बाय प्रोड्यूसर. नहीं हो सकता अक्षत, हमारी ही सिचुएशन में नहीं हो सकता. सुनो, हमारी ही सिचुएशन में नहीं हो सकता. अभी देख लो, तुम अभी बोलो, अगर जो मैंने किया उसी सिचुएशन को देखोगे ना अक्षत, समझ जाओगे. आपका जो कंज्यूमर था वो पहली बार जब वो आइटम कंज्यूम करने गया तभी सोने जाने वाला था. सुनना अच्छे से, कंज्यूमर ने जब पहली बार आइटम कंज्यूम करने की कोशिश की वो तभी सोने जाने वाला था, और उसके बाद से वो प्रियम्प्ट हुआ और फिर उसको सीपीयू मिला ही नहीं. जब से वो प्रियम्प्ट हुआ तब से उसको सीपीयू मिला ही नहीं. उसके बाद प्रोड्यूसर ने हर आइटम को प्रोड्यूस करने के बाद बैकअप कॉल भेजा 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 भेजा. ये बेचारा बार बार कोशिश करता रहा कि जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, लेकिन कंज्यूमर सो ही नहीं रहा था. तो ये बार बार भी जगाने की कोशिश करता तो जाग थोड़ी ना जाता, सो थोड़ी ना रहा है आदमी. तो ये कितनी भी बार कोशिश कर ले, ये हर इंस्ट्रक्शन के बाद वेकअप कॉल भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो नालायक आदमी सो ही नहीं रहा है, सिर्फ नौटंकी कर रहा है. जिस दिन ये आदमी जगाना बंद कर देगा, और खुद सोने चले जाएगा, उस दिन वो लगेगा हो गया अब मैं भी सोने जा रहा हूं. समझे बात को? तो अच्छा, डोंट थिंक सो. आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं है, है ना सर? ऐसा नहीं हो सकता कि खुद सोने से पहले दूसरे को, ऐसे थोड़ी होता है. मल्टी कोर प्रोसेसर इसका मतलब सेम सिस्टम में मल्टीपल कोर्स और अवेलेबल है जिस पर थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो. मल्टी प्रोसेसर सिस्टम जो आप बोलते हो तो वहां पर ये हो जाता है कि मेमोरी शेयर्ड है या फिर मेमोरी भी सेपरेट है. ठीक है, गुड दिस वे सर. ओके यस सर, पास कर दीजिए थोड़ा सा. उत्कर्ष तुम समझते सर, ये स्पीड सही है? सही है सर, ऑल इज ओके. नो सर, परफेक्ट है. ठीक है सर, अगर आर्किटेक्चर ही ऐसा डिफाइन किए कि अगर काउंट इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो है तो कंज्यूमर स्लीप हो जाए ऑटोमेटिकली. देखो, पहली बात समझने की कोशिश करो. शुभेंदु, आप जो चीज़ कह रहे हो ना सर, आर्किटेक्चर ही ऐसा डिफाइन करें, आप जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बनाते हो प्रोग्राम के बेसिस पे नहीं बनाते. हेलो, आप लोगों की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वही हिले हुए हैं. आप लोगों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही हिले हुए हैं. आपने सीधे बोल दिया सर, आर्किटेक्चर ही ऐसा डिफाइन करें कि अगर काउंट इक्वल्स टू जीरो है तो कंज्यूमर स्लीप हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आर्किटेक्चर डिजाइनर ने, इसका मतलब जो आपका प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिजाइनर है, उस प्रोसेसर आर्किटेक्चर के डिजाइनर ने सिर्फ इसी पर्पज से सिस्टम नहीं बनाया है. प्रोसेसर आर्किटेक्चर का जो डिजाइनर है उसने सिर्फ इसी पर्पस से सिस्टम नहीं बनाया है. हर सिस्टम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वेरियस प्रोग्राम में वेरियस तरीके से यूज हो सकते हैं. सो इट नीड्स टू कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स व्हिच विल बी रनिंग ऑन द सिस्टम. समझ गए बात को शुभेंदु? शुभेंदु क्लियर है? नहीं अक्षत, वी डोंट यूज व्हाट्सएप ग्रुप्स, बट अ गुड न्यूज, वी एक्चुअली कैन हैव अ टेलीग्राम ग्रुप.
कैन एक्चुअली हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, एंड द नंबर इज आप लोग मुझे पहले तो काफ़ी सारे लोग तो ऑलरेडी मेरे दूसरे ग्रुप्स में एडिड होंगे, काफ़ी सारे लोग दूसरे ग्रुप में एडिड होंगे, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक नया ग्रुप बनवा लूँगा, बट जितने भी लोग हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो मुझे इसके ऊपर सिर्फ एक सिंपल मैसेज OS के नाम का टेक्स्ट मैसेज भेज दें, इस नंबर के ऊपर एक सिंपल OS के नाम का टेक्स्ट मैसेज भेज दें, तो जैसे ही ये ग्रुप बनेगा तो मैं मैक्सिमम लोगों को जितने उनके भी टैक्स आएंगे मैं उनको उस ग्रुप में ऑलरेडी ऐड कर दूंगा, और बाकी आपको लिंक कल तक प्रोवाइड करवा दूँगा। तो अगर अभी बहुत जल्दी है किसी का कोई डाउट है, अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो अभी वो इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकता है, ठीक है। और ग्रुप में ऐड होने के लिए वो सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजेगा OS, वो एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजेगा OS, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा, जो ज़्यादा लिखेगा उसको मैं ब्लॉक कर दूँगा, है ना। उसे पर सिंपल टेक्स्ट मैसेज उससे एक सिंपल मैसेज भेजेगा OS, और जिस दिन भी मतलब जिस दिन क्या कल तक जैसे वो ग्रुप बन जाएगा मैं उन सारे लोगों को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा, एक चीज़। दूसरा, कल आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। आज नंबर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं किसी के तो वो मुझसे पूछ पाए, है ना। इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप अभी नहीं चलाऊंगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है लेकिन अभी नहीं चलाऊंगा, कॉल भी अभी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि नंबर चालू नहीं है, सब चालू है, लेकिन खेल पे अपने हिसाब से खेलूंगा ना, मुझे नहीं चाहिए यार कॉल वॉल से, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत है ना। तो जिसको भी चाहिए इस नंबर पर सिर्फ टेलीग्राम मैसेज, कैसा किसी और मैसेज को मैं देख ही नहीं पाऊंगा, कोई और मैसेज भेजोगे मुझे मिलेगा ही, कोई और मैसेज भेजोगे मुझे मिलेगा ही नहीं। चलो सो सर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड दिखा दो,